चलो थोड़ी पॉलिटिक्स पढ़ो, आ जाओ पढ़ लो, इलेक्शन पढ़ के थोड़ा बोर हो लो फिर पॉलिटिक्स। लाओ भक्ति में लिख दे दो, ये चल रहा है अभी, शुरू कर दिया, शुरू कर दिया, सही करा का करा मैं साथ में बजाज प्रोजेक्टर का बटन ऑन दबाओ, दबा दी कोई बात नहीं, दबा दी अरे वो तो हमेशा ही कोई बात नहीं, थोड़ा जिससे जाओ कोई बात नहीं, यहाँ तुम समझ सकते चलो सो फाइनली इंटरेक्शन शुरू करते हैं, है ना। अब देखो तुम्हें भयानक सवाल समझ आएंगे आज, जो आज तक तुम कोई नहीं समझा पाया, मैं समझा, इसकी जिम्मेदारी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी को पता है वोटिंग वोटिंग इलेक्शन होते हैं। कोई यहाँ पे ऐसा है जिसने इलेक्शन में जाकर के वोट दिया हो? हाँ ये जानना था मुझे, 1800 रुपये कितने वाले, इन्होंने आज तक नहीं दिया। दूसरी बात ये कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वोट नहीं दिया और जिनका वोट बना ही नहीं, वो है ऐसा क्लास में वोट दिया है मतलब दिया नहीं है मतलब हुआ है। चलो अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, बड़ा बेसिक प्रश्न है कि इलेक्शन होते ही क्यों, चुनाव होते ही क्यों है, क्यों इलेक्शन की क्या जरूरत है, ये बताओ भाई। प्रश्न जाए सर, राज का संचालन करने के लिए। तो वो तो अगर चुनावी पार्टियां एक बार जीत जाए और उसके बाद कहें कि बस नहीं, जनता के द्वारा अपना शक्ति की जनता जवाब में करेगी। दोनों के आंसर आ गए, सबके आंसर लेता हूं, आप बताइए दोनों का अपना प्रतिनिधित्व चुने किसे, वेरी गुड, अपना प्रतिनिधि मान लिया। हां सर, इतनी स्कीम किया जाता है जिससे कि जनता अपने मत के अनुसार अच्छा प्रतिनिधि चुन, मान लिया। चलो अच्छा मुझे ये बताओ, ये सब तो बातें होती रहेंगी, अपने लोग अभ्योदय की ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं हाल फिलहाल में, पेपर वेपर तो होता रहेगा, कहाँ चलने को तुम लोग तैयार हो, नैनीताल चलें या नानक मत्ता चल के वापस लौट लें या बरेली कंसीडर करें? सरकारी सरकारी बैठ, हाँ मैं आपको सरकारी इधर वाले शिमला, अरे नहीं जो मजाक थोड़ी करेगी ना, इधर किधर है नैनीताल, नैनीताल कोई ऐसा जो नैनीताल ना जाना चाह रहा हो? देवा जी नहीं जाना चाह रहा है, नहीं जाना, अरे सर इधर आते हैं, देवा जी बड़ा है, देवा पुल। मैंने तुमसे इसलिए पूछा, ये जोक नहीं है कंसेप्ट है। अभी यहाँ पर 20-25-30 जितने भी बच्चे हैं उतने मिलके एक सहमति एक स्थान के लिए नहीं ले पा रहे हो, 125 करोड़ की आबादी पे अगर कोई नीति बनाने के लिए छोड़ दी जाए कि शिक्षा नीति बनाओ, क्या बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। इसीलिए आवश्यकता होती है कि किसी एक प्रतिनिधि की, जो आपने कहा इन्होंने कहा कि कोई एक रिप्रेजेंटेटिव आगे आता है और प्रतिनिधि आगे आके कहता है कि जनता ने मुझे निर्णय लेने का अधिकार सौंप दिया है कुछ सीमित समय के लिए, अब मैं अधिकार लूंगा यानी निर्णय लूंगा उस अधिकार के जरिए, समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड इलेक्शन, इसीलिए इसे प्यार से कहा गया है जनादेश यानी जनता का आदेश। अब कनेक्ट करता है, वजह समझ गए कि इंडिया में इलेक्शन की नीड क्या थी और इंडिया में इलेक्शन चाहिए क्यों थे। खैर अब मजा लो, ये देखो सबसे पहली बार हमारा भारत कैसा देश है, लोकतंत्र है हमारे, डेमोक्रेटिक नेशन है, लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक की अच्छी परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी, बाय टू फॉर यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि लोकतंत्र क्या है तो जहां लोगों के द्वारा लोगों का लोगों के लिए, यही परिभाषा पड़ी होगी एनसीईआरटी की बेसिक डेफिनेशन है। क्या मतलब आ जाओ मांगी कि अगर जनता के लिए जनता के द्वारा जनता को, लेकिन क्या तो जनता के पास में शक्ति होती है,
सर जनता के पास में कौन सी शक्ति होती है? निर्णय लेने की। वो शक्ति किसे दी जा रही है? सरकार को। क्यों दी जा रही है? भीड़ ने अपनी शक्ति ट्रांसफर कर दी और भीड़ ने जिस चीज से शक्ति ट्रांसफर करी है मुबारक हो उसे बोलते हैं। अब समझे ये डायग्राम अगर तुमने मेंस में इनपुट कर दिया या तुम इस डायग्राम को समझते हो तो तुम बता सकते हो कि इलेक्शन होते क्यों हैं, इलेक्शन कराए क्यों जाते हैं, इलेक्शन में मोटिव क्या होता है और लोग आखिर में करते क्या है। ये चीज समझ में आती है? ये चीज क्लियर हुई कि नहीं बताओ? क्या कोई डाउट? बड़े आगे हाँ पूछो। चलो भाई नेक्स्ट डायग्राम। अच्छा मुझे बताना सबसे बढ़िया तरीका, अब तो मैं मजा आएगा, कितने लोग जानते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बताओ, पता है ना कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन की खुद की सोचने की क्षमता विकसित करना। जैसे आप गूगल से कोई चीज कहते हो तो गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री के अनुसार उस आंसर को परिवर्तित करके दे दे। कृत्रिम यानी मशीन की खुद की बुद्धि जो आर्टिफिशियल बनाई गई है लैब में। अब मजे की बात समझना, ये किसने बनाई? तो उस व्यक्ति का नाम है सैम ऑल्टमैन, AI के जो फाउंडर कह सकते हो, उनका नाम है सैम ऑल्टमैन। अब मैंने फोन करा सैम ऑल्टमैन और मैंने उन्हें फोन करके कहा चलो सैम ऑल्टमैन, AI के फाउंडर सैम ऑल्टमैन। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। AI के फाउंडर सैम ऑल्टमैन को मैंने फोन करके कहा, मैंने कहा एक काम करो, बहुत दिन से EVM मशीन का कंसेप्ट भारत में चल रहा है, जरा चेंज कर दो। तो ऑल्टमैन ने कहा कि बताओ क्या चाहते हो। मैंने कहा मोबाइल पे ना एक फीचर ले आओ, एक ऐप डाउनलोड करूंगा चुनाव वाली, इधर से बटन दबाऊंगा उधर से वोट जाएगा। नहीं समझ मैंने AI के फाउंडर से कहा। हां जल्दी जल्दी 9:30 मेरे लिए एक ऐप डिजाइन करके दी। मेरा सवाल तुमसे है कि इस समय भारत में चुनाव होते हैं मशीन से बटन दबाते या बैलेट बॉक्स में पर्ची डालते, और मशीन से भी बटन दबाओगे तो पर्ची तुम्हें दिखती है सैम से भी। समझना क्या ये संभव है कि सैम ऑल्टमैन से बोल के, मेरी बात समझना डिस्ट्रैक्ट मत होना, क्या ये संभव है कि सैम ऑल्टमैन से बोल के मैं एक नया टूल इजाद करवा के नए तरीके से चुनाव करा सकता हूं? बताओ है क्या भविष्य में चुनाव कराने का तरीका बदला जा सकता है? बताओ
भैया बिल्कुल बदला जा सकता है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में लोग चुनने की बात हुई है, चाहे तुम ऐप से चुनो, चाहे मशीन से चुनो, चाहे वोटिंग से चुनो, चाहे रेफरेंडम से चुनो, चाहे सब बैठ के यस नो से चुन लो। तो ये ध्यान रखना कि इलेक्शन 5 साल में होना जरूरी है, लेकिन इलेक्शन कराने का तरीका यही चलता रहे ये जरूरी नहीं। पहले हम पेपर से डालते थे, अब मशीन से डालते हैं, कल को हो सकता है सनी ऐसे डाले कमल का फूल पड़ गया, है ना, टेलीपैथी, समझ गए बात को। चलो तो तुम्हें दो चीजें समझ में आई, चुनाव की आवश्यकता क्यों है और चुनाव कराने के लिए जो प्रक्रिया यूज होती है मशीन, वो आज और कल बदली जा सकती है, कोई भी प्रोसेस इजाद करी जा सकती है। अब देखना, ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करता है लोगों को, और कई बार ये क्वेश्चन आया कि सुप्रीम पावर, सर्वोच्च शक्ति क्या है, संविधान या हम भारत के लोग। चुनाव क्यों कराया जाता है, क्योंकि तुम भारत के लोग चुनते हैं। जब बाबा साहब से बात पूछी गई कि इलेक्शन किसके लिए होता है, तो बाबा साहब ने कहा टेंशन ही लेने का नहीं, सीधे प्रियम्बल खोलने का, पहली लाइन पढ़ने का, और वहां क्या लिखा है, कौन चुनते हैं, तुम लोग, हम लोग। शक्ति किसके हाथ में है चुनने की, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तुमसे कोई पूछे कि इसे जन आदेश या जनता का आदेश क्यों कहते हैं, या वोट किसके लिए महत्वपूर्ण है, मेरे लिए, कहां लिखा है, प्रियम्बल। कोई डाउट, कोई समस्या, अब आ रहा है इंटरेस्टिंग। अब आ जाओ इस पे, कितने प्रकार से चुनाव होते हैं, बेसिक बात बताओ, प्रत्यक्ष, सर प्रत्यक्ष कौन से होते हैं, लोकसभा, तुम्हारे यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश, गोवा में गोवा प्रदेश, ये सब चुनाव होते हैं, उसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। साथ ही तुम प्रधानी के चुनाव देखते हो, क्योंकि सर उसमें डायरेक्ट वोट डाला जाता है। सर अप्रत्यक्ष कौन से होते हैं, जिसमें हम वोट नहीं देते। अरुण ने छुट्टी मांगी अभ्युदय में कि सर जुलाई में मुझे 24 जुलाई को राष्ट्रपति का वोट डालने जाना है, छुट्टी दे दो। मैंने कहा बेटा कम से कम बहाना तो असली बना लेते, राष्ट्रपति को वोट डालने जाते ही नहीं है जनता, कौन वोट डालता है, एमएलए एमपी, ठीक है, ये ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति तो सनी भी बोले सर अगर इन्हें राष्ट्रपति की छुट्टी दे रहे हो तो मुझे उपराष्ट्रपति की वोट डालने की छुट्टी दे दो, तो मैंने दोनों की एप्लीकेशन मना कर दी। फिर आए कलीम, कलीम बोले है तो मैं नहीं बता, राज्यसभा के चुनाव में मैं डालना बोल, मैंने कहा बेटा तुम तो अभी इंटर नहीं। चलो अब आ जाओ, तो इधर अब समझना इस चीज को, वापस से जो मैंने बात बोली है, और इसमें तुम्हें इंटरेस्टिंग तथ्य भी देखने को मिलेगा। बाजार ध्यान देना बहुत अच्छे से, मोबाइल पे ध्यान मत दो, उनसे बात बात कर लेना। चलो, संविधान के प्रियम्बल में लिखा है वी द, हम ट्रांसफर कर रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं, किसका, कौन सी शक्ति, निर्णय, निर्णय लेने की शक्ति, किस तरीके से, बटन दबा के। चौथे नंबर को मैंने जानबूझ के खाली छोड़ा है, खाली छोड़ा है। अगर हमने सही नेता चुन लिया तो फायदा किसका होगा, हमारा, नुकसान भी किसका होगा। ये लूप समझ में आया, लूप, लूप, लूप का मतलब होता है ऐसे चक्र, बार बार घूम के, जैसे तुम पार्क में जाओ झूले को घुमाओगे तो वो लूप में घूमता है, उसी चक्कर में घूमता रहेगा, रोक दोगे रुक जाएगा, कोई गाना लूप पे लगाओगे तो गाना वही बजता रहेगा। तो ये चक्र एक लूप बनाता है, इस लूप का अर्थ है कि लोग अपनी शक्ति निर्णय लेने की क्या कर रहे हैं, चुनाव के माध्यम से दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, नेताओं को, लेकिन फायदा किसका होगा, हमारा, नुकसान किसका होगा, हमारा। हिंदू मुस्लिम ने वोट इसलिए दिया कि हम व्यापार करें, जैन से। अब पॉलिटिकल पार्टी ऐसी आ गई, वो कह रही है हा 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 हिंदू इधर मुस्लिम इधर, तो भैया नुकसान किसका होगा, बात समझे, बिल्कुल सही। तो मुझे ये बताओ चौथे नंबर को मैंने लाल से टिक किया है और खाली क्यों छोड़ा, क्या कोई बता सकता है बिना देखे स्लाइड में, अपना दिमाग लगा के। बढ़िया, स्लाइड पढ़ ली तुमने, चलो सर आपने ये लाल खतरा इसलिए छोड़ा है क्योंकि अगर चुनाव बीच में ईवीएम हैक करके हो गए, नेताओं ने अपने हिसाब से वोटर्स पे इन्फ्लुएंस कर लिया, पैसे से वोटर खरीद लिए, तो ये लाल लाइन का मतलब खतरे की बात है, तो चुनाव फ्री, फेयर और पारदर्शी नहीं रह जाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि चुनाव कैसे होने चाहिए, निष्पक्ष, फ्री, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। बेटा मुबारक हो, ये सब देखने के लिए बाबा साहब ने कहा कि अगर फ्री, फेयर, टाइमली और ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने हैं तो क्या हम चुनाव कराने की जिम्मेदारी उसे दे सकते हैं जिसके लिए चुनाव होने, मेरी बात समझ लो, चुनाव कराने की जिम्मेदारी अगर तुम कांग्रेस या बीजेपी को दे दो, वो तो खुद खड़ी है,
तो फिर तो तुम्हें पता ही है, इधर से बटन डालूंगा उधर से मेरी पार्टी को ही जाएगा, उधर से पार्टी डालूंगा इधर से बटन मेरी पार्टी का दिखेगा। मेरी बात समझना, मैनिपुलेट करेंगे। तो बेटा इस मैनिपुलेशन को रोकने के लिए, इस मशीन के साथ छेड़छाड़ ना कर पाए, इसलिए हमारे ऑनरेबल बाबा साहब ने जोर से बोला 3-2-4। क्या बोला? फिर से बोलो। मुबारक हो, बाबा साहब ने तुम्हें दिया भारत का चुनाव आयोग आर्टिकल 354। फिर से मेरी बात याद रखना, भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सीधे पहला क्वेश्चन यूपीएससी के इंटरव्यू में मैं हिट करूंगा जब लोग 1 तारीख से, क्या भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र है? सर हाँ, क्योंकि बाबा साहेब ने संवैधानिक पद बनाया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिपेंडेंट, ज्यादा बड़े लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस, हिंदी में कहते हैं आजाद। तो ये तीनों बातें इस आर्टिकल 324 पे लागू होती है। इज इट क्लियर? और कंसेप्ट क्लियर करना, पीछे को डाउट। This is called Election Commission of India. Sir, ये क्या कराएगा? तो बाबा साहेब ने कहा बेटा टेंशन नॉट, मैंने सामने साफ साफ लिख दिया है ये क्या कराएगा। ये कराएगा SDC, सर मतलब ये कराएगा आनीनी, अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण, अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण, सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल। लेकिन बाबा साहेब ने SDC के अंदर और भी बातें लिखी है, वो तो मैं भी आगे यात्रा कराता हूँ। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब सर अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण क्यों लिखा है? ये बहुत बड़ी स्टोरी है। इन तीन वर्ड का इतना बड़ा महत्व है कि चुनाव आयोग को इतनी पावर दे दी जाती है कि अगर चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के दौरान किसी ने धांधली करी तो इनके हाथ में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर होती है। चुनाव के दौरान न्यायालय भी, जुडिशरी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। चुनाव के बाद करेगी, इंदिरा गांधी के चुनाव के नतीजे के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय लिया था, लेकिन चुनाव के दौरान नहीं लिया था, ये ध्यान रखना। तो ये पावर इन तीन शब्दों की बहुत बड़ी है। अभी तो मैं लेके चलता हूँ तीन शब्दों की पावर पे। चले बेटा, लो भैया पहले थोड़ी एक चीज देख लो मजेदार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसा निकाय है? प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहां दिया? 324 में। कैसा निकाय है? संवैधानिक, स्वतंत्र है। हाँ, क्या कराता है भारत में? अधीक्षण नियंत्रण, तीन चीजें कराता है। SDC सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन बन गया प्रीलिम्स का क्वेश्चन। अभी इतना बड़ा पैराग्राफ देख के तुम घबरा जाओगे, अरे क्या क्या लिख दिया, कुछ नहीं लिखा, इट इज ऑल अबाउट कंसेप्ट, समझ गए? खैर 15 साल वाले तो पढ़ाई, चलो आ जाओ। तो देखो इधर से, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे भारत में पहली बार कोई चुनाव आयुक्त तो बना होगा, चुनाव आयुक्त तो बना होगा। हाँ जी बना था, जब देश आजाद हुआ उसके ठीक, जब देश आजाद हुआ उससे 1 साल पहले चुनाव आयुक्त तो बना, वो चुनाव आयोग बना ये भी बताऊंगा। लेकिन उसके बाद में 1950 में सबसे पहले चुनाव आयुक्त तो बने थे सुकुमार सिंह। ये पैट में क्वेश्चन आया था, अगर किसी ने पैट का पेपर अटेम्प्ट कराओ तो उसमें लिखा था TS इन्होंने लाए हैं। सुकुमार सेन भी लिखा था, पहले चुनाव आयुक्त का नाम UP SSC पैट के पेपर में सेट बी में क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था। दिया था भैया, मेरे 82 नंबर बन गए हैं, इतने पूरे यूपी में नहीं होंगे। अच्छा तुक्का मारा था, हाँ क्या जी, इसी में तुक्का मारा था, देखा तुक्के वाली घूम रहा। अरे भैया इधर देखो, तुम मेरी बात समझो, एक और मजे की बात, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया ना, सिर्फ ऑफिशियली आंसर की रिलीज हुई थी उसके 10 दिन के अंदर। खैर पैट के एग्जाम तो अलग चीज होगी, वापस आ जाओ। सबसे पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन बनी थी? VS रमा देवी 1990 में। कितने कितने साल लग गए महिलाओं को लाने में, इसलिए इनका नाम और इनका संघ भी याद रखना। वो तो बन गए थे चुनाव आयुक्त तो भैया पहली बार सुकुमार सेन साहब, लेकिन पहली महिला जो है वो बनी थी। कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, जैसे अब तुम ऐसे लिख रहे हो ऐसे, अब तुम ऐसे राइटिंग में ये तथ्य डाल सकते हो कि चुनाव आयुक्त तो महिला थी, उन्होंने क्या क्या काम करे महिलाओं के लिए, तो तुम्हारे ऐसे को ना एक बूस्टअप मिल जाता है। फैक्ट ऐसे में थोड़े काम आते हैं, क्या बोले बड़े आगे। पहली महिला थी, अब लो भैया सर हमारे यहाँ एक दिन मनाया जाता है 25 जनवरी, 25 जनवरी तो वो मतदाता दिवस इसलिए मनाया जाता है सर, क्यों? क्योंकि भैया तुमने पीछे ध्यान नहीं दिया कि इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी? भारत के जो
चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई, इसलिए हम प्रतिवर्ष मनाते हैं 25 तारीख को मतदाता दिवस। यूपी पीएससी का फैक्चुअल क्वेश्चन बेटा, इस बार 2023 में, अभी तो 24 चल रही है, 23 में हमने मनाया था कौन सा, 13वां। और ट्रिक देखो, 2024 के अंत में 4 है तो ये 14वां हो जाएगा, 25 में 15वां, 26 में 16वां, 17 में 18वां। सर के ऊपर मिस हो गया था क्लास। अरे कहने की मतलब याद रखना, इसके अंदर चीफ गेस्ट कौन होते हैं, तो हमारे भारत के राष्ट्रपति। लेकिन इसकी थीम पूछेगा पीसीएस में, इस बार भी पूछेगा, क्योंकि जब तक पेपर हो रहा है वो चाहेगा कि बच्चे 2023 और 24 दोनों को याद करें, तो 23 वाले की थीम डालेगा और 24 में वाले का ये डाल देगा। मेरी बात समझ ना, यूपी पीसीएस फैक्ट पे बहुत गहरा लिखता है, तुम्हें घुमा के वो ये कहेगा कि 13 की जगह 14 लिखेगा और ये वाला डाल देगा, तुम लिखोगे आंसर में ए और बी दोनों सही। नहीं, इसको याद रखना, नथिंग लाइक वोटिंग, वोटिंग की तरह कुछ भी नहीं, आई वोट फॉर श्योर, मैं जरूर ही मतदान दूंगा, ये 2023 में उसकी थीम थी। कौन से की दीवार पे लिखे, वेरी गुड, 13वें मतदाता दिवस की, समझ गए सर। 13वां क्यों, क्योंकि भैया 25 जनवरी को मनाया जा रहा है। फिर एक दिन लेके आया कनेक्टिंग पीपल नोकिया। मैं भी सनी ये चीजें सोचता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ छोड़ो पढ़ाई को, क्लास बड़ा इंटेलेक्चुअल चलेगा, 6-6 घंटे की क्लास हो ना, तो फिर तुम लोगों को इतना विस्तृत तरीके से ले जाओ कि तुम यही गद्दा लेके आओ। अरे नहीं समझे, कहने मतलब पक जाओगे, इतना नहीं है। लो ये रहे आदरणीय सुकुमार सेन सर, दिखा दो हमें, क्योंकि हम गूगल पे खुद देखेंगे तो नजर लग जाएगी। भैया पहले इलेक्शन कमिश्नर, या कह सकते हो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर यही थे, इनका नाम था सुकुमार सेन। खैर अभी वर्तमान में कौन है भैया, राजीव कुमार। सर कौन से नंबर के हैं ये भी ध्यान रखना, तो तुम्हें इस समय कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। मतदाता दिवस कब मना रहे हो, जनवरी, तो 25 जनवरी में 25वां आदमी ही मतदाता दिवस डिक्लेयर कर रहा है, समझ गए, बस इसी वाले बैच के लिए है। क्या चीज, हाँ ये थोड़ा स्टार्टिंग पढ़ा है, लेकिन बच्चे कनेक्शन टूट गया, कम से कम 15 दिन बाद दोबारा मिल रहे हैं, अब ऐसे भी क्या ही दिक्कत, समझ गए। हाँ तो भैया ये वही राजीव कुमार जी हैं जिनका नाम नीति आयोग से जोड़ के पढ़ाना चाह रहा था, समझ गए, नीति आयोग के अंदर काम कर चुके हैं, समझ गए, ये ध्यान रखना। फिलहाल ये वित्तीय सेक्रेटरी वेटरी सब रह चुके हैं, बढ़िया तुम्हारी तरह, लेकिन इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कोर्स करा है, पता नहीं क्यों, ये ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ, वकील बहुत पढ़ते हैं। अब आ जाओ, जैसे आप सर आर्टिकल 324 कितने प्रकार के, यानी बस बस बातें मत करो, बाद में बता देना कहीं जा रहा है। भारत का चुनाव आयोग कितने प्रकार के चुनाव कराता है, सर सिर्फ 4 प्रकार के। अब तुम इस 4 का वर्गीकरण करके 6 मत कर देना, कहीं तुम कहो सर आपने संसद लिखा है, लोकसभा अलग राज्यसभा अलग, नहीं हम उसे एक ही यूनिट के अंदर लिख रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी ने 4 माने हैं तो 4 ही मैं भी मानूंगा, चाहे तो कुछ कर लो, क्योंकि यूपीएससी पर तुम्हारा आंसर काट देगा। कहां कहां के चुनाव कराता है भारत का चुनाव आयोग, सर संसद का। अब जैसे केंद्र में संसद, वैसे राज्य में विधानसभा, तो जो तुम्हारे लिए विधि बनाते हैं उनके चुनाव, यानी संसद का चुनाव, विधानसभा का चुनाव। सर आपको नहीं पता लेकिन 2 व्यक्ति और हैं उनके भी चुनाव कराता है, बिल्कुल सही बात, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। क्या मैंने यहाँ राज्यपाल बोला, क्या मैंने पीएम बोला, क्या मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला, सर उनका तो चुनाव ही नहीं होता, बोलोगे ही क्यों। मेरी बात समझो, जो नाम लिखे हैं सिर्फ यही याद करना, यूएसपीपी, समझ गए, यूनियन पार्लियामेंट, या सिर्फ पार्लियामेंट, या ट्रिपल पी भी कह सकते हो, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट हो गया, ट्रिपल पी कभी 2 भी हो गया, फिर उसके बाद में 1 प्रेसिडेंट, फिर 1 वाइस प्रेसिडेंट, तो बन जाएगा ट्रिपल। हाँ हाँ कैसे, तो समझ गए भैया, पार्लियामेंट कौन करा रहा है, कौन, हमारा मासूम सा चुनाव आयोग। मासूम किस लिए, अभी देखो कितना मासूम है ये, तभी अचानक, तभी क्या नाम, इनका नाम बोल देंगे साक्षी, तभी साक्षी बोली गलत पढ़ा रहे, हमारे गांव में भी चुनाव होते हैं, वो तो नहीं बता रहा कौन कराता। मैंने कहा साक्षी यू आर राइट, पर बेटा उससे पहले ये उत्तर सॉल्व कर लो, अभी आगे लेके चल रहा हूँ। इसका उत्तर गलत देने वाले को काला फांसी की जाए, काला पानी की सजा, काला पानी हम देना सही करें, ट्रांसपोर्टेशन। हाँ इसका उत्तर जिसने गलत दिया उसे सर्वदोष हो सकता है।
ऑप्शन में कार्यालय लिखा है, कार्यालय कोई बात नहीं, कार्यालय कट भी मान दो तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का है, आप बताओ कार्यालय निकाल दो सभी को, वैसे उनके कार्यकाल होना चाहिए, देखा छोटी छोटी मगर मोटी बात है, शक्तिमान, चलो देखो क्या लग रहा है इसका उत्तर बताओ दोनों लोग। बेटा इसका उत्तर अभी सर ने कुछ चीख चीख के बताया था, संसद राज्य की विधायिका, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, समझ गए लो सर, वो हम अंग्रेजी वाला देखना चाह रहे थे, लो अंग्रेजी में लेते हैं, ठीक है। खत्म हो गया सवाल, चलो आगे बढ़ जाओ, बहुत बढ़िया सर, मजा ही आ गया, ये लो अब आएगा आनंद, आनंद आएगा, आ गया आनंद बगल में, चल गए नहीं हिंदी नहीं लाओगे, चल ऐसी बताओ, इतना तो आसान है, किसकी हिंदी कराओगे ना, आप ध्यान देना, मैं इसे सॉल्व करने का बेसिक तरीका बता रहा हूँ, सर ने लोकसभा बोला, राज्यसभा बोला, विधानसभा उत्तर प्रदेश बोला, क्या मैंने पंचायत बोला नहीं, क्या चार में पंचायत लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा एक दो चार, यानी थर्ड वाला ऑप्शन ये है, थोड़ा यूपीएससी लेकिन मजेदार, समझ गए सर, यही सॉल्व करा दे रहे हो, हाँ हाँ, तो तुम सब क्या चीज, क्या चीज होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं तो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ ना कि यूपी डाल दिया सिर्फ, तो कह सकते हो विधानसभा तो दिखी गया, यूपी का भी कौन ही कराएगा, यही कराएगा। अब लो मजेदार चीज, साक्षी के क्वेश्चन का आंसर, सर हमारे पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव जो होते हैं क्या वो भी चुनाव आयोग कराता है, नहीं, ये सस्ते और छोटे चुनाव नहीं कराता, ये कराता है बड़े, बेटा इसके लिए अलग से 243, सर वो था 324, जादूगर ने गेम ली उछाली, तीन इधर आ गया दो इधर आ गया, सिंपल सी बात, तो भैया ये क्या हो गया 243 के, समझ गए सर, इसमें के क्यों लगा है, क्योंकि ये ओरिजिनली संविधान में नहीं थे, संशोधन करके संविधान में इंट्रोड्यूस कराए गए, सर ये वो वाले जीव थे जो नहीं थे, आक्रमक प्रजाति थी, आक्रमक लाई गई, अब समझ रहे हो एनवायरमेंट से कनेक्शन, 73rd 74th Constitutional Amendment 1991 नवा और ग्यारहवा संविधान संशोधन, चलो मतलब 9th पार्ट और 11th, अब आ जाओ इस पे, तो सर हमारा चुनाव आयोग क्या कर रहा है, फिर से समझ लो, चुनाव आयोग कर रहा है अधीक्षण प्लस प्लस प्लस, सर पर्ची छप के आती है, पर्ची वो कौन सी मशीन से छप रही है भैया, वो भी मशीन चुनाव आयोग भी छाप रहा है, वो भी मशीन भी छाप रहा है, मशीन से जो निकलते हैं वो भी यही बना रहा, तो मतदाता सूची, मतदाता सूची कौन तैयार करता है, वो भी आर्टिकल 324 में भारतीय चुनाव आयोग, छोटी से छोटी चीज भी कवर होगी, समझ गए, किसका किस चीज का रूल, परिसीमन का होता है वो आगे पढ़ेंगे, जो आप कह रहे हो सेंसस का, उसमें रोल होता है, डिलिमिटेशन कमीशन जो चार ही बार बना है भारत में, बढ़े आगे, सब लेके आया भैया, कोई दिक्कत नहीं, खुद पढ़ता हूँ, चलो भाई इस प्रश्न का उत्तर देंगे सिर्फ ध्रुव और कलीम, क्योंकि ध्रुव और कलीम ही इंटर के, अब समझना मजा आएगा, ध्रुव अच्छे से, कलीम और दोनों लोग बहुत बहुत इसके लिए इंटर के, अरे यार चलो सुनो ध्यान से, अब भैया रिंकी नामक एक लड़की का, मेरी बात समझना, रिंकी का जन्मदिन होता है जून 2024 में, और इस बार 18वीं लोकसभा के चुनाव कब हो रहे हैं, जुलाई, रिंकी जून 2024 में 18 साल की हो गई, भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है 18 साल, तो अब रिंकी वोट देगी, हाँ या ना, बताओ कितने लोग कह रहे हैं सर रिंकी 18 की होगी वोट देगी, क्योंकि मुझे भी सही लग रहा है, नहीं वोट मना कर देंगे, रोक लेंगे बंदूक लगा देंगे, पांडे जी की आदत है एक जनवरी के हिसाब से देखिए, अच्छा वोट कांसल हो रहा है, नहीं देंगे, नहीं वोट देंगे, बताओ नो या यस, नो या यस, यस वाला कोई हो धोखे से बजाज छोड़ के, बजाज क्लास के विपरीत दिशा में ही चलेंगे, क्लास में अगर क्लास के बाहर कहीं आग चल रही हो तो लोग पानी फेंकेंगे, बजाज लकड़ी फेंकेंगे, बताओ भाई बताओ क्या लगता है भैया, इसका आंसर है नो,
अरे सर विश्वास घात करवे, हाँ सुनो भैया गद्दारी करवे है ना, वो भी आगे आएगा। अब सुनो तो भैया इसमें दलीर मेहंदी ने बताया ना, तो रिंकी वोट क्यों नहीं देगी, क्योंकि ये रहा, अगर 2024 में चुनाव हो रहे हैं, रिंकी की आयु 18 साल 31 तारीख को होनी चाहिए ताकि 1 तारीख को फॉर्म संख्या 6 लेके रिंकी पंजीकरण करा सके। अगर 1 जनवरी को वो गई और उसने कहा 18 की हो गई, बोली हाँ अभी हुई हूँ ना, कहेगा 31 तारीख को 18 की हो जाओ, 1 को आओ वोट बनवाओ और वोट डाल के चली जाओ। सरकारीRESULT.com वेबसाइट खोलते हो, उसमें नीचे डिब्बा है, वहां लिख के आ रहा है नया वोट पंजीकरण करें। वो इसीलिए लिख के आ रहा है क्योंकि ये माह चल रहा है जनवरी का, अपने वोट बनवा लो, बाद में जब जुलाई जुलाई में चुनाव होंगे तब रोते घूमना हमारा वोट ही नहीं है, काट दिया सरकार ने, सरकार ने कैंची नहीं चलाई तो खुद अपने ऊपर कैंची चला रहा है, समझ गए। तो दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट। सर कौन सा फार्म मांगे, तो भैया फार्म संख्या 6, मुझे समझ नहीं आता फार्म क्यों कहते हो, अगर ये फार्म है तो पूरनपुर में सरदार जी खोल के बैठे हैं, वो क्या है दुकान, वो भी फार्म है, मुर्गी फार्म। चलो भैया इसे फॉर्म कहते हैं, अगर इसे फॉर्म कहते हैं तो फिर ह्यूमन इज अ फॉर्म, स्पीसीज इज अ फॉर्म, तो ये क्यों है, इसे कुछ और कहना चाहिए, इसे फारोम कहना चाहिए। तो भैया अब सुनो, हाँ फॉर्म ही, लेकिन वो फॉर्म अलग चला जाता है, वो बायो में चला जाता है, मैंने इसीलिए कहा कि अंग्रेजी भाषा किसी काम की नहीं। देखो रिंकी चली गई, अब रिंकी बोली मुझे यूपी में तो वोट मिलेगा नहीं, कलीम और ध्रुव जो है वोट पड़वाए दे रहे थे उनका, तो वही है तुम तो रहने दो, मैं यूपी से जाऊंगी, इधर से बस में बैठूंगी, उधर से दिल्ली में निकलूंगी, तो यूपी से दिल्ली चली गई रिंकी। अब ये बताओ इनका निर्वाचन क्षेत्र बदल गया, सर निर्वाचन क्षेत्र मतलब एड्रेस, इनका एड्रेस बदल गया कि नहीं बदल गया, तो अब एड्रेस बदल गया तो अब रिंकी दिल्ली जाएंगी, दिल्ली रहेंगी, वहां वोट डालना चाह रहे, कर सकती है रिंकी, फिर से कौन सा फॉर्म लगेगा, 6। फॉर्म नंबर 6 दो चीजों पे इस्तेमाल होता है, नया वोट या अपना एड्रेस बदलवा लूं, किसी नई जगह पंजीकृत हो जाऊं, आधार कार्ड भी अपडेट होता है, दोनों कुल मिला के मिली जुली सरकार है, क्यों आधार इसलिए अपडेट कराने का ऑप्शन दिया है, कल को तुम नई जगह चले जाओ तो वहां के निवासी बन जाओ तो आधार में एड्रेस बदलवा लो, समझे कनेक्शन कि नहीं समझे, बड़े आगे पॉलिटी इज पॉलिटी। अब आ जाओ इसका क्वेश्चन जो देगा वो मिठाई का पात्र होगा। इस समय वर्तमान में हमारे यहाँ 3 लोग हैं, एक ऑनरेबल राजीव कुमार, दूसरे हैं अनूप चंद्रा जी, तीसरे हैं सम्मानीय अरुण गोयल जी, तो कितने लोग हैं ये 3। सीधे क्वेश्चन है, सीधे फोटो है, दे दो, जो कलर ब्लाइंड भी होगा फोटो ब्लाइंड भी होगा, इसका आंसर क्या होगा, पहले स्लाइड क्यों नहीं पढ़ाया, चल रिवीजन हो रहा तुम्हारा भैया, देखो सर अभी तभी आंसर नहीं दे रहे, कोई नहीं, अच्छा किसका आंसर क्या होगा, वजाहत सामने 3, उत्तर में क्या होना चाहिए, 3 होंगे, मुझे एक चाहिए था क्लास में, क्या लगता है सपना इसका आंसर, इसका आंसर सर नो क्यों होगा, सामने 3 है क्योंकि बेटा तुम्हें हर चीज के पीछे चाहिए लिखित जवाब, और संविधान में लिखा हुआ क्या है, खुद पढ़ लो पढ़ो 324 का उप अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है पढ़ लो, चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त यदि कोई साफ साफ लिखा है जितनी संख्या राष्ट्रपति समय समय पर तय करके, राष्ट्रपति का मन है 6 बना दो तो बन गए 6, राष्ट्रपति का मन है 1 बना दो तो सर 1 बन गया, मतलब सर आज 3 है कल को 50 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी ना रह जाए 1 तो होगा ही होगा, तो इसका मतलब ये संख्या कौन तय करता है, राष्ट्रपति, ये संख्या कहीं निर्धारित नहीं है बच्चों। तो फिर सर ऐसा कभी भारत में हुआ है, हाँ जी हुआ है, लोग मिलवा दे रहे, अब स्टूडेंट देखो उसका आंसर नो था ना, चलो भाई अब आ, सबसे पहले हमारा देश जो है वो गणतंत्र कब बना, 1950, 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र बन गए, आजाद हम 15 अगस्त को हुए थे, कहीं तुम उल्टी डेट तो नहीं चला रहे हो कि 26 को आजाद और 15 को तुम कह दो गणतंत्र दिवस, अभी 26 जनवरी को कहीं तुम पता चले वीर भगत सिंह के नारे लगा के निकल जाओ देश आजाद करो, गो बैक साइमन।
वो बैक चलो देखो तो हमारा हमारा चुनाव आयोग भैया कब बना था, ईसीआई गठित हुआ ठीक 25 जनवरी इससे एक दिन पहले, तो सर 25 तारीख को कौन सा दिवस मनाते हैं, मतदाता दिवस, जब तुम्हारी मत ही मारी जाती है मतदाता दिवस समझो। ईसीआई गठित हुआ उस समय कौन बने, सिर्फ सुकुमार सिंह, कौन बने सुकुमार सिंह, इज इट क्लियर। लेकिन 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 ये था एक सदस्य, फिर अचानक अचानक संविधान में 61वां क्या हुआ इधर देखो 61वां संविधान संशोधन हुआ 1988 में, पहले वोट डालने की आयु 21 साल थी, उसे कम करके कितने पे ले आए वजाहत, कितने पे ले आए 18, जब 18 पे लाए होगे तो पॉपुलेशन बड़ी की कम हुई, बढ़ेगी ना भाई, सिंपल सी बात है, जब आबादी बढ़ गई तो मुबारक हो काम भी बढ़ गया। संशोधन कब करा था 1988 में, मजबूरी में 1989 में हमने चुनाव आयोग के अंदर दो सदस्य और जोड़ के बना दिया 3 सदस्य। तो सर अब तो आपने भी जो फॉर्मूला बताया वो ठीक दिख रहा है कि जितने राष्ट्रपति को ठीक लगे, कर दिए 1989 में 3। लेकिन मजे की बात 1989 में चुनाव कराए और फिर से 3 को खत्म करके बना दिया 1, फिर से 1989 में चुनाव कराए, बोले इन 3 की जरूरत तो चुनाव कराने के टाइम पे थी, चुनाव खत्म काम खत्म, वापस से कितने कर दिए 1। लेकिन फिर से 1993 में चुनाव कराने की स्थिति आई तो इन्होंने कहा अरे यार अभी भी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो इन्होंने 3 वापस से बना दिए, और आज तक 2024 की आज की तारीख तक 3 ही है 1993 के बाद, फिर कोई फेरबदल नहीं करा, तो 1 नहीं 1-3 फिर 1 फिर 3 अब 3 समझ गए, तो ये रेशियो चल रहा है, बात आई समझ में कि नहीं बताओ, आ गई किसी को कोई डाउट, मैंने तुम्हें विद एग्जांपल बता दिया कि राष्ट्रपति की अनुच्छेद 324 के उप अनुच्छेद 2 के अंदर जो लाइन है कि राष्ट्रपति समय समय पर संख्या निर्धारित करेंगे, व्हाट डज इट मीन, एनी डाउट सर, आगे चलिए। तो ये देखो सर फिर हमें ये समझ नहीं आ रहा कि जब हमारे पास 3 इलेक्शन कमिश्नर है तो हम एक को चीफ क्यों बोलते हैं, कोई लॉजिक नहीं है, बस एक ही लॉजिक है, अगर राष्ट्रपति को इन तीनों में से किसी इसे या इसे हटाना पड़े तो जिसकी सलाह चाहिए वो चीफ ही होगा, पर चीफ को ही हटाना पड़े तो फिर किसी की सलाह ले चाहिए, लेकिन उनके बाद में जोड़े गए ये जो दो हैं इनको हटाना हो तो राष्ट्रपति किसकी सलाह लेगा सर, ऐसा ही तो सुप्रीम कोर्ट में भी होता है, हाँ चीफ जस्टिस की सलाह, यहां भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सलाह, थोड़ा समझ में आ रहा, सिर्फ हटाने के टाइम, सिर्फ हटाने के टाइम ये राष्ट्रपति को सलाह भी देते हैं। हाँ नियुक्ति में रिक्रूटमेंट के समय कुछ नहीं, रिक्रूटमेंट के समय कोई नियुक्ति नहीं, और इन्हें हटाने का भी तरीका वही है, कौन सा, जैसे आपने सुना था महायोग चला के, तो जजेस को हटाने के लिए एक रेजोल्यूशन लाते हैं प्रस्ताव, इनको भी हटाने के लिए डिट्टो वही स्टेप है, एक भी इंच इधर उधर नहीं। सर इनकी योग्यता क्या रहती है, इनकी योग्यता अगर सीधी बात करें तो अभी तक तो जितने भी ब्यूरोक्रेट रहे हैं आईएएस वाईएएस उन्हें ही बना देते हैं, वरना देखा जाए तो योग्यता के लिए कोई मानक नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, खुद भी बने, अभी वर्तमान राजीव कुमार है, एसएमएल इकोनॉमिस्ट है, लो और बात ही खत्म करो है ना, तो ये ध्यान रखना, तुम ऐसे पानी बनने जा रहे हो जिसे सरकार गुलकुंडी के साथ भी मिला सकती है और ALCO HOOL के साथ भी मिला सकती है, हाँ समझ गए, नहीं वो ज्यादा साफ था, ये भी ज्यादा साफ था, तो समझ लो। तो सर चीफ इलेक्शन कमीशन की पोजीशन सेम सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, सैलरी से लेकर हर चीज होती है, लेकिन उतनी पावर नहीं होती, क्यों, क्योंकि भैया ये निर्णय थोड़ी ना देते, निर्णय देने का काम किसका है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस का है, लेकिन इनको हटाने की प्रक्रिया पूरा विवाद, कितने लोग हटाएंगे क्यों हटाएंगे, ये डिट्टो सुप्रीम कोर्ट में मैंने पढ़ाया था आधे घंटे, सेम होता है ना, एक इंच इधर ना एक इंच इधर। सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बन रही थी जजेस की, इसमें भी कमेटी बनती है, उस कमेटी के सबसे बाद में न्यायिक समीक्षा हो रही थी, इसमें भी हो सकती है, तो याद रखना कि इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए भी प्रस्ताव पारित किया जाता है, दोनों में से किसी भी सदन में पास किया जा सकता है, समझ गए, लेकिन दोनों से ही हाँ होना जरूरी है, तभी तो हटेगा ना, तभी तो हटाओगे या एक ही पर हटा दोगे। तो सर हमने आपने जो भारत के मुख्य न्यायाधीश पे तरीका बताया था उसे कंप्यूटर की भाषा में कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दो, कॉपी पेस्ट, समझ गए, तो सर कंप्यूटर का ट्रिपल सी भी करा रहे हो, हाँ अब आ जाओ। तो फिर सर हमें एक बात बताओ, अब आएगा मजा, ये भी मैंने अगर तुम्हें समझा दिया हो तो तुम्हारा रिवीजन कर, कंडीशन नंबर 1 यहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहां है, आगे इलेक्शन कमिश्नर इनके, यहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहां है, सेंटर में, ये इधर ये इधर,
अब मैं तुम्हें एक ये पूरी कंडीशन रखते हुए एक देता हूं सिचुएशन। लो भाई बताओ, आपको पता है कि चुनाव में जो भी पार्टियां पंजीकृत होती हैं उनको दर्जा दिया जाता है, या तो राजकीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी, स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी होती है, तो पार्टी बात ही खत्म हो गई। कोई भी पार्टी आज बनी वो अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गई, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गई, समझना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा, ये तीन लोग बैठे हुए थे, इसने भी हाँ कहा, इसने भी हाँ कहा, इसने भी हाँ कहा, कोई इशू नहीं, पार्टी पंजीकृत हो गई। अब आता है ट्विस्ट, समझ लेना, ट्विस्ट ये आता है, ध्यान देना सभी लोग, इलेक्शन कमीशन के चीफ ने कर दिया मना, लेकिन इन दोनों ने कर दिया हाँ। क्या पार्टी का दर्जा रिकग्निशन या पार्टी को पंजीकृत करोगे कि नहीं? कितने लोग कह रहे हैं सर चीफ ने मना कर दिया, चीफ ने, हम नहीं करेंगे, सर पापा ने मना कर दिया, मम्मी और दीदी की तो चलती ही नहीं है, बताओ भैया हो जाएगा क्या लगता? पार्टी गई पंजीकरण कराने, पहले वाले में तीनों ने कह दी ओके ओके ओके, तो यस अभी अभी आ रहे मेजोरिटी वाले पॉइंट पे, सूरज थोड़ा ठीक जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के दो लोग बोल रहे हैं हाँ, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ कह रहे हैं ना, क्या पॉलिटिकल पार्टी का पंजीकरण होगा? या भैया हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीफ के नाम से घबराओ नहीं, तुम्हारे टीचर अभिषेक मिश्रा ने चीफ के कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक ही काम है, इन दोनों को हटाते समय राष्ट्रपति को सलाह देना, वरना हर मामले में ये है इक्वल। इसीलिए मैंने इनके लिए लैटिन भाषा में एक शब्द है प्राइमस इंटर पारस, उसी को बोलते हैं अंग्रेजी में फर्स्ट अमंग इक्वल, ना ना, जैसे प्रधानमंत्री बाकी सब में आगे होता है, यहाँ चीफ इलेक्शन बाकी सब में आगे नहीं होता। क्यों? क्योंकि हो सकता है राष्ट्रपति बाकी के दो हटा के उसे वापस से चीफ की जगह से लेकर ही बना दे, तो कुछ भी हो सकता, समझ गए? कोई डाउट? कोई डाउट? वंस मोर बताओ भाई जावेद, मुझे चाहिए चुनाव चिन्ह कमल की डंडी, फूल तो चला गया, तो चुनाव चिन्ह कमल की डंडी मुझे चाहिए, तो मैं इनके पास गया, इसने कह दिया हाँ, इसने कह दिया हाँ, इसने कह दिया हाँ, कोई दिक्कत? अब मैंने कहा कमल की डंडी दे दो, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त तो मुझसे चिढ़ गया, बोले ये तो पहले से ही मजाक उड़ा रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी का, उसने कर दी मना, लेकिन ये दोनों बोले ठीक है ठीक है ठीक है, कमल की डंडी ही सही, इनने कह दिया हाँ, क्या होगा जावेद? मिल जाएगी? वाह क्या बात है, यही आंसर है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इस मामले में उतनी ही वैल्यू है जितनी बाकी के इलेक्शन कमीशन की है। बस चीफ क्यों कह रहे हैं, ताकि राष्ट्रपति का किसे हटा दूं इन दो में से, तो कह रहे हैं इसे हटा दो, इसे यही डंडी दे रहा था, दोनों को बढ़वा दो, तो चलो आ जाओ, तो मैंने तुम्हें लिखवा दिया। अब बताओ मजेदार बात, क्या राष्ट्रपति को दी हुई भारतीय चुनाव आयोग के आयुक्त की कोई भी सलाह बाध्यकारी है कि नहीं है? मेरी बात समझना, चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, 18वीं लोकसभा के, क्यों 17वीं इस समय चल रही है, खत्म हो रही है, तो जाते हैं चुनाव आयुक्त, साइलेंस रखना, जाते हैं चुनाव आयुक्त तो राष्ट्रपति को कहते हैं इस बार के चुनाव ना 10 दिन पहले करा लो सर, क्योंकि ठंडे ज्यादा पड़ रही हैं, तो हमने पहले ही सारा काम गर्मी में करके रख लिया, जब पहले हो गया काम तो पहले चुनाव करा लो। क्या राष्ट्रपति बाध्य है मानने के लिए? बताओ विजन पालो, क्या राष्ट्रपति बाध्य है मानने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एडवाइस? नहीं मिलेगा, लड़का बहुत रिसर्च करके आता, यूजीसी नेट के भी सवाल ले आ रहा है, बताओ क्या होगा? क्या राष्ट्रपति पर चुनाव आयोग की सलाह बाध्यकारी है, या उल्टा भी कर लो, क्या राष्ट्रपति की कोई सलाह बाध्यकारी है? सर ने अभी कुछ क्षण पहले चीख चीख के बोला था कि इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस आजाद, ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है, बिल्कुल आजाद रचने, तो भैया ना राष्ट्रपति की सलाह चुनाव आयोग पे भारी होगी, ना इनकी सलाह राष्ट्रपति पे भारी होगी, कोई डाउट हो तो प्रथम के निकल, दोनों की सलाह वजाहत एक दूसरे पे नहीं, क्यों समझो? फिर तो राष्ट्रपति एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी,
है, सूरज शनि लगे को दोनों ऐसे स्नान वाले तुम समझो बात से, इन दोनों का मतलब समझो, फिर तो मैं राष्ट्रपति बैठाऊंगा डंडी के, कमल की डंडी वाली पार्टी का, और उससे कहूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बुलाओ, और इनसे एक और चुनाव दोपहर 2 बजे ही होना चाहिए, अगर उसे बाध्य कर दूंगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कंट्रोल मेरा हो जाएगा, और राष्ट्रपति किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो होता ही होता है, भले ही कितना भी लिखा हो कि पद से इस्तीफा देके आ जाएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करेगा, तो इलेक्शन कैसे होने चाहिए, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट, उसके लिए दोनों की सलाह एक दूसरे पे बाध्यकारी नहीं है, गॉड प्योर कंसेप्ट, ध्यान देना, क्लियर, कोई डाउट, कोई समस्या, बड़े आगे समझ आई चीजें, इधर दोनों बच्चे मासूम थे, इधर तुम दोनों शैतान नहीं मतलब मासूम ही होता, कांची कह दिया पता, चलो देखो, तो भैया बाध्यकारी होगी, दलेर मेहंदी को पता है कई सालों से बॉलीवुड में नहीं दिख रहे हैं, जरूर तैयारी कर रहे हैं आईएएस पीसीएस की, आईएएस बीएएस बनो सीरीज देख रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, अरे सर मिजान सर वाली स्लाइड कैसे खोल गई, तो ये मिजान सर की स्लाइड नहीं है, पॉलिटी का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हिस्ट्री से हमेशा रहा, समझ गए, पॉलिटी का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा, दोनों अच्छे मित्र रहे साथ, चावा और बुलेट जैसी महंगी बाइक के साथ, चलो देखो आदमी जो बैठा है कुर्सी पे उसका नाम था मिंटू, संजीव आए, संजीव आगे बैठे ना, ये तो संजीव का वीरपाल, तो ये पता चल गया ये संजीव नहीं है, ये मुझे आज भी नहीं याद थे वीरपाल है, इनने इतनी बार कहा मैं संजीव नहीं हूँ, मुझे वही याद हो गया, अब मैंने देख के क्या कहा तुम संजीव नहीं हो, नहीं नहीं 10:15 उनकी क्लास का टाइम था, पर उन्हें इंटरेस्ट आ रहा था, बेचारे 15 मिनट जा रहे, चलो ध्यान रखना उनसे भी बात, इमोशनल हो गए, संजीव को बुलाने निकल गया लगता, तो देखो जो सामने व्यक्ति बैठा है सुंदर सा वीरपाल बजा, तुम भी सामने देखो उधर उधर, उसका नाम था मिंटो सर, ये मॉर्ले मिंटो की जोड़ी जो आई थी, इसमें से एक सेक्रेटरी थे और एक वाइस रॉय थे, तो आदरणीय नहीं मिंटो जी जो थे वो उस समय बात वाइस रॉय थे, बेटा इसने एक बढ़िया स्कीम निकाली, ये बोला मैं इधर से हिंदू मुस्लिम डालूंगा, उधर से लोगों का विघटन करके निकालूंगा, मेरी बात समझना, इसने हाँ हाँ बिल्कुल सही, इसने पहली बार भारत में प्रयोग करा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम, मतलब मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट देगा, मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट देगा, मुस्लिम व्यक्ति ही खड़ा होगा, तो इससे तुम जरा दिमाग लगाओ, इससे क्या जा रहा है मैसेज, इससे ये जा रहा है कि मुस्लिम सरकार अलग बनाए, हिंदू सरकार अलग बनाए, इसने ये काम करा, जब इसने ये बीज बो दिया, इस बीज से फायदा मिला अंग्रेजों को, तो इसने ये 1909 में करा क्यों था, क्योंकि 1857 में अंग्रेज घबरा गए थे, उन्होंने हिंदू मुस्लिम सभी को एक साथ देखा था, उन्होंने ये सोचा कि अगर ये भीड़ दोबारा हम पे टूट गई तो अभी तो हमने 1857 को 1-2 साल में कंट्रोल करा, तात्या तोपे की अंतिम फांसी देके, लेकिन अब हमारे बस की नहीं है, वो तो शुक्र मनाओ कि सिंधिया वगैरह ये ग्वालियर के अगर थोड़ी मक्कारी नहीं करते तो 1857 में ही अंग्रेजों को भगा देते, पता है ना, और थोड़ा सा भारतीय लोग उग्र होते हैं, फॉर्म की डेट है 25 भर देंगे 18 को, यानी जो डेट निकली थी आंदोलन की वो डेट भी जो है उन्होंने पहले ही एक्शन ले लिया था, पता होगा सभी को, बिल्कुल, तो समस्या ये आई कि सभी को पता है 1857 के तत्कालीन कारण ये थे कि बैरकपुर पश्चिम बंगाल में उनको फांसी दे दी थी, मेरठ में छावनी है वो उग्र हो गई थी, उसने कर दिया विद्रोह, और ये उग्र छावनी कहां तक चली गई थी भैया, दिल्ली विल्ली सब चली गई थी, अलग अलग प्रांतों में, कहीं पे ह्यूज रोज था, कहीं कैंपोविद था, दंगे को दबाया था, ये आपने सब पढ़ा होगा, तो डेमो हो गया ना इसलिए, चलो बात करते हैं, कम्युनल इलेक्टोरेट हो गया, इसमें इन्होंने क्या करा, एक सूची बनाई, इस सूची बनाने का मतलब मुस्लिम के लिए मुस्लिम वोट देगा मुस्लिम को, तो यहाँ पे तुम्हें डेमोक्रेसी की परिभाषा बदली नहीं लगा रही, बाई कॉर्ड का मतलब हो गया था जाति के लिए, जाति के लिए समझो, मैं तो कहता हूँ अब्राहम लिंकन ने भी यही सीखा होगा, चलो देखो, उसके बाद हुआ ये कि जब ये मुस्लिम तो मुस्लिम वाला आइडिया अच्छा लगने लगा, तब ना अंग्रेज एक काम और करते, तब अंग्रेज हल्के से ईद पे चले जाते थे, भाईजान गले मिलो, बोले ऐसा है तुम ही सबसे अच्छे हो, हम तो तुम्हारी सरकार चाहते हैं, देखो ये निजाम साहब कितने बढ़िया है, हमें पैसा देते हैं, देखो ये बढ़िया है, इधर निकल गए हल्के से हिंदू फैमिली, उनसे कह दिया अरे सिंधिया साहब तुम्हारी तो बात ही क्या है, तुम्हारी तो अरे इतनी पॉपुलेशन मेजोरिटी है, तो अंग्रेज कर रहे थे अपीजमेंट, बेटा ये अपीजमेंट को हिंदी में कहते हैं तुष्टीकरण, क्या कहते हैं
ये तुष्टिकरण तुम भी करते हो, दो सहेली दोनों का बर्थडे, तीसरी वाली सहेली को दोनों से दावत ले ली है, अरे बहन को तेरे बारे में कह रही थी रुपए नहीं खर्च करती तू जन्मदिन पे, इस बार दिखा दियो उसको, इस बार 1700 रुपए कम से कम खर्च करियो, अपना फायदा। तो इसे कहते हैं तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स। मुझे ऐसे पता, मेरा भी बढ़िया, मेरा ही बढ़िया। सर जी हम तो अभी से कार्ड बना रहे हैं, हमारे लिए मैकडी का बर्गर ऑर्डर कर लेना। संडे वैसे चालू, किस कैसे दिवस है, चलो हाँ ठीक है, प्रकृति साथ दे रही। यही बात एक्सटेंड कर दी गई 1919 में, सिख क्रिश्चियन एंग्लो इंडियन की भी अलग सूची बना दी गई। आपने पढ़ा होगा कि इतना ही नहीं, ये जो जाट रेजिमेंट देखते हो, ये सब देखते हो, ये क्या है, ये 1909 और 1919 के बीच में बनाई हुई तो है कि बांट दो, जाट रेजिमेंट इधर आ जाए, आपकी ये जो छोटी हाइट के होते हैं गोखरा रेजिमेंट, इन सबको गोरखा, वेरी गुड, तो मैं विद रिस्पेक्ट गोरखा, तो जो गोरखा वगैरह ये रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट ये सब होती है, इनको क्यों बांट दो, बांट दो, बांट क्यों, क्योंकि क्लास में टेस्ट कराना भी, स्टूडेंट की जांच नहीं लेना है, अपवाद पैदा करना है, उसमें भी तुम बट जाते हो, इनके 25 आ रहे हैं, हमारे 24.5 आ रहे हैं, हाँ हम इनसे अच्छे हैं, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है कि अंग्रेज हमेशा से बांटने की स्कीम जानते थे। अब समझो, आ जाओ 1919 तक ये कार्यक्रम चला हिंदू मुस्लिम चक्र, इस बात से बाबा साहेब बहुत ज्यादा आहित थे, और बाबा साहेब ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में साफ साफ लिखा है, तुम सुन लो दोनों, बाबा साहब पे दे रहे थे, नहीं ये दे रहे थे ध्रुव, नहीं कलीम थे उस नाम से, बाबा साहब ने बोला है रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, देखो क्या बोला, सुनो इधर, नहीं लड़के में कॉन्फिडेंस तो था उस दिन इस बात का कि कुछ भी बोलो बस बोल दो। बाकी मिलान से कहें कहा चला गया ये, चलो देखो मजा आता है जानने में तुम्हें, तो खैर हुआ ये कि जब ये सब हो गया तो बाबा साहेब बड़े आहित हुए। बाबा साहेब ने कहा कि लोगों के वोट को बांट दिया गया, हिंदू का वोट, मुस्लिम का वोट, एंग्लो इंडियन का वोट। बाबा साहेब ने कहा जिस दिन मैं संविधान लिखूंगा मैं कभी वोट को धर्म, जाति, रंग, नस्ल, भेद के हिसाब से नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कि मुस्लिम ज्यादा तो मुस्लिम के वोट की वैल्यू ज्यादा, हिंदू ज्यादा तो हिंदू के वोट की वैल्यू ज्यादा। बाबा साहेब ने इजाद करा आर्टिकल 325, उसमें बाबा साहेब ने कहा एक ही वोट का मतलब एक ही वैल्यू, तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी रंग के हो, दलित हो, कुछ भी हो, मैं तुम्हें बटने नहीं दूंगा, तुम्हारे एक वोट की कीमत उतनी होगी जितनी हिंदू के हो, मुस्लिम के हो, कोई सेपरेट लिस्ट नहीं होगी। तो नमन है बाबा साहेब को आर्टिकल 325, ओनली एक लिस्ट जो ना तो रिलीजन लिस्ट कास्ट सेक्स पे बटेगी। ताली बजा बाबा साहेब, ताली बजा वाला पार्ट किया अपने आप बजा। चलो देखो फिलहाल इनका योगदान जो है वो कई कई जगहों पर दिखता है, लेकिन इनके योगदान को समझने छोटी बात नहीं, ही वॉज दी जीनियस पर्सन, मतलब इनकी एक एक लिखी लाइन पोइट्री है, पोइट्री, उस पोइट्री को सुलझाने के लिए। अब जब तक तुम्हें हिस्ट्री से 1909 से 19 का कनेक्शन नहीं पता तो बाबा साहेब का तुम्हें क्या लगेगा, एक लिस्ट बना दी, लिस्ट क्यों डाली होगी पता ही नहीं। लेकिन इसे कहते हैं लेजिस्लेटिव इंटेंट, कि जब विधि बन रही थी तो विधि बनाने वाला किस मूड में था, क्या सोच रहा था, ये जानना चाहिए। समझ में आई बात, इंटरव्यू में पूछूंगा, होटल हो गए स्टेटस पे लगाओगे, स्लाइड है, अब तो मैंने पहले स्लाइड दे दी, एडवांस बुकिंग चल रही, सर ईवीएस की नहीं है, यहाँ भेज दूंगा पता मुझे, दो कहते हैं 3 बजे सोया था। चलो यही बता ले, तो मैं सिखा रहा हूँ कैसे एडवोकेट इज ऑल अबाउट। हाँ ये आ जाओ, अब देखो यूपीएससी में एक पर्टिकुलर टॉपिक ही है, इंटरनल सिक्योरिटी में भी, गवर्नेंस में भी, डेमोक्रेसी में एक पूछा जाता है कि देश की डेमोक्रेसी को चैलेंजेस क्या है, इसमें मेंस में क्वेश्चन बनते हैं कि भारत के लोकतंत्र को चुनौतियां क्या हैं, इंडियन चैलेंजेस या डेमोक्रेसी को क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के अंदर। तो याद रखना मैं तुम्हें इस छोटे से कंसेप्ट से बड़ी बात बता दे रहा हूं, वापस चलते हैं 15 अगस्त 1947 में, भागे वापस टाइम मशीन से, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू हुआ, यानी कि अगर तुम में से कोई 18-19 साल का है और उसे 2-4 साल पहले 1000 रुपए मिलते आए हैं तो वो जानता है कि 1000 रुपए खर्च कैसे होते हैं। अब आगे वो प्लानिंग करेगा तो 1000 रुपए को मद्देनजर रख के करेगा ना, ये वो भी दिन थे। तो बेटा बाबा साहेब हमेशा कहते थे कि मनुष्य को पास्ट से सीखना चाहिए, और जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो बाबा साहब बोले कि दो चीजों पे भारत में आज भी खतरा है 2024 में। बाबा साहेब का क्या विजन था, क्या दूरदर्शिता थी, वो बोले उस समय भी लोकतंत्र पे खतरा था और विविधता पे खतरा था, हिंदू मुसलमान पे आज भी खतरा है,
और दुर्भाग्यवश आगे ही रहेगा। और ये बात मुझे सत्य होती दिखाई देती है कि आज भी लोकतंत्र पे खतरा है और आज भी विविधता पे खतरा है, क्योंकि हिंदू मुसलमान बट तो चुके हैं लेकिन साथ में आगे आके कोई नहीं रहना चाहता, समझे। तो ये चैलेंजेस जो थे वो बाबा साहेब ने संविधान में लिखे, और बाबा साहेब ने कहा कि मैं एक छोटा प्रयास कर सकता हूँ, एक छोटा प्रयास कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सरकार बनाने में करूं और विविधता को बचा के रखूं। इसलिए बाबा साहेब ने कहा अनपढ़, पढ़ा लिखा, बिल्कुल रंग भेद का शिकार, या दलित या जनरल, किसी भी कास्ट, किसी भी वर्ग, कैसा भी व्यक्ति हो, मैं उसको हर हाल में दूंगा व्यस्त मताधिकार। तो बाबा साहेब ने डाला आर्टिकल 326 के अंदर एडल्ट सफ्राज, एडल्ट सफ्राज। आप समझे कनेक्शन, इसे कहते हैं डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की एक प्रॉब्लम का छोटा सा क्या बोल बढ़िया यूनिवर्सल एडल्ट सफराज, यूनिवर्सल एडल्ट सफराज। समझ आया बजाज? बजाज तो कोई कोई क्यों रहते हो क्लास में, ये सब बहुत इंफॉर्मेटिव है, कहीं नहीं मिलेगा। चैलेंज करता हूँ, ध्यान से देखा करो, ये चीज समझो, इस पे क्वेश्चन बने हैं मेंस में। अब तुम इंटरव्यू में इतनी डीप लेवल की बात कर दोगे कि चैलेंजेस जो थे उसको उस समय बाबा साहेब ने सॉल्व करने का प्रयास करा व्यस्क मताधिकार ला करके, ताकि जितनी भी विविधता है वो भी भागीदारी ले सके। किसमें? क्योंकि यही तो समस्या थी, घाट से पानी नहीं पीने देंगे, स्कूल में पढ़ने नहीं देंगे। तो बाबा साहेब ने कहा तुम्हें हम चुनाव में तुम्हारा व्यक्ति चुनने की आजादी देंगे। बात समझे, दिस वॉज द कनेक्शन। और अगर तुमसे कभी कोई कहता है कि दलित उत्पीड़न नहीं हुआ तो कहना आर्टिकल 17 किस उसी में लिख दिया। तो आर्टिकल 17 खुद कॉन्स्टिट्यूशन का बता रहा है कि हाँ अनटचेबिलिटी होती थी। तो कितना भी बड़ा स्पोक्स पर्सन आ जाए टीवी पे, कुछ नहीं होता था, वेदों पुराणों में नहीं लिखा, वेद पुराण के साथ रिस्पेक्ट है, लेकिन हाँ भारत में ये होता है। अब तुमने ये कोविड में देखा ना, और सब कुछ छोड़ दो तुम अमेरिका चले जाओ, अमेरिका में यू इंडियन वो समझते हैं हम सुपीरियर है, ये लेस। अब तुम यहाँ जनरल कैटेगरी की भी हो, अमेरिका चले जाओ, वहां पे तो कोई ऐसा सिस्टम है नहीं, वहां पे ऑल आर भैया मेथोडिस्ट हैं और सारे क्रिश्चियंस हैं, अलग अलग लोग भी हैं क्या, तो वो तो यही समझते हैं इंडियंस को, अरे इंडियन है, नॉलेज में वॉलेज में नहीं है, डाउन ट्रोडन समझते हैं। ब्रिटिशर्स भी तो समझते थे, तुम लोगों ने सुना होगा व्हाइट मैन वर्डन, सफेद व्यक्ति भार, वो कहते थे कि हम भारत की शुद्धता करने आए, पवित्रता करने आए, ये भार हमारे कंधों पे, हम भारत को शुद्ध करेंगे, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम इन लोगों को ठीक कर रहे हैं, ये काले हैं, पापी हैं, सिनर्स हैं। अरे हम काले और पापी सिनर थे तो तुम्हारे यहाँ औरतों के जबरदस्ती उल्टे पैर का लालचन लगा के उन्हें जला क्यों दिया जाता था? तुम्हारे यहाँ रिनेसा नहीं आया, तुम्हारे यहाँ चर्च कहती थी कि अर्थ सपाट है, अर्थ घूम रहा, अर्थ नहीं घूम रहा, सन घूम रहा, सन हथेली पे। सोचो तुमने कितनी विमेंस की हत्या कर दी, पूरा एक कालखंड डार्क एरा बोलते हैं उसे, जिसमें विमेंस को मार दिया उन्होंने। और ये बात करते हैं हमसे, हम तो इनसे ज्यादा आधुनिक थे, हमारे आर्यभट्ट नाम की पहली मिसाइल जब लॉन्च हो रही थी ये देख रहे थे क्या हो रहा है, इन्हें आर्यभट्ट के बारे में भी नहीं पता था। खैर छोड़ो, बहुत दुख। अब आ जाओ, तो बाबा साहेब ने क्या दिया आर्टिकल 326 के अंदर व्यस्क सार्वभौमिक, मतलब यूनिवर्सल, सभी को एडल्ट सफराज, व्यस्क मताधिकार। बाबा साहेब ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन देखते हैं अब देश करता है कि नहीं। सर ये कहां लिखा है बेटा? आर्टिकल 326 सीधे संविधान से उठाओगे, वहां पे साफ साफ लिखा है कि लोकसभा या प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव के आधार पर होंगे। एक वर्ड समझने के लिए कंसेप्ट क्लियर हुआ। चल अब बढ़ते हैं आगे, सुनो। अब अरुण ने पूछा सर चुनाव के लिए नियम कौन बनाएगा, चुनाव के लिए नियम कौन बनाएगा? तो बेटा चुनाव के नियम बनाने की जिम्मेदारी उसकी है जो पूरे भारत में नियम बनाता है। सर पूरे भारत में कौन नियम बनाता है बेटा? संसद, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कौन सा हाउस है? लॉ मेकिंग, विधि बनाता है। तो पार्लियामेंट जितने भी राज्यों में चुनाव होने या फिर केंद्र में चुनाव होने उनके लिए नियम बनाता है, सभी राज्य के लिए भी, संसद के लिए भी। सर तो फिर अभी आपने बोला था कि पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे के नियम बनाएगी, नहीं बना पाती, विपक्ष भी होता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज भी होती है, जांच भी होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी होता है जो चेक करता है कि ये नियम कहीं सीधे किसी पॉलिटिकल पार्टी के फायदे के लिए तो नहीं जा रहा। तो संसद बनाती है लेकिन उसे कई बार क्रॉस चेक किया जाता है, तो ये नियम बनाती है। सर ये किसके लिए नियम बनाती है? संसद के लिए तो बनाती है, सभी राज्यों के लिए। किस चीज से संबंधित? चुनाव से संबंधित। कोई डाउट? आप सुनना जरा एक स्टोरी, उसमें तुम इमोशनल हो जाओगे। एक दिन बजाहत के घर पे बजाहत सिस्टर है, बड़ी छोटी, शादी तो होगी अभी चल गए, तो स्टोरी बजाहत की ले लेते हैं। बजाहत की सिस्टर का अप्पी बोलते हैं ना, बजाहत की अप्पी का निकाह तय हुआ। फरीना कह रही हाँ सर मिजान सर से दोस्ती का नतीजा। चल तो इनकी इनकी अप्पी का निकाह तय हुआ,
अब अभी का निकाह तय हुआ तो बाजार मेहनती आदमी साइकिल से चलते हैं, राशन ले आए, राशन दिया है। अब छह दिन का कार्यक्रम डिसाइड हुआ कि भाई निकाह में दूर दूर से निकाहनामा पढ़ा जाएगा, मौलवी साहब आएंगे, ये सब आएंगे, वो आएगा। तो बाजार बेचारा पूरी भाग दौड़ करता रहा, इसको एक लिस्ट दी थी, ये बेचारा सुबह जाए चक्की पे चला जाए, एक क्विंटल आटा पिसवाए, एक क्विंटल गेहूँ पिसवाए, आटा ले लिया है। पता है तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज चल रही है, बोले आटा कैसे पिस जाएगा, आटा पिसवाए क्यों लेके आए, गेहूँ पिसवाए, आटा लेके आए। फिर ये बेचारा कहीं शामियाने वालों के पास जाए, बर्तन वालों के पास जाए, कहीं को जाए। इसी बीच में निकाह के जितने भी घर में सारे लोग थे, बाजार का एक छोटा भैया होता जो था शातिर, उसने कहा बड़ा वाला तो गया है, वो आगे आके फोटो खिंचवा रहा था हर कार्यक्रम में, ऐसे खड़े होकर देखो अप्पी, देखो मैं हूँ जो कुछ हूँ, अप्पी को पता ही नहीं बाजार दौड़ रहा है। अप्पी कह रही मेरा बड़ा भैया एक तो सामान लेने चला गया, ऊपर से टाइम से नहीं आना, जरूर मुझसे छुटका होगा, खुशी नहीं है। सारा काम करा बाजार, सारा काम करा बाजार ने, क्रेडिट कौन ले गया, वो बेटा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारी सिफारिशें सब कुछ देती है, लेकिन नियम बनाने का क्रेडिट कौन ले जाता है, संसद। अब सुनो एक और मिल रहा, संसद ने केंद्र के हिसाब से सारे नियम बना दिए सब कुछ। अब बजाहत के संग एक और परेशानी हुई, बजाहत ने लिस्ट में सब कुछ टिक मारा, दूध दही पनीर पाए टांगे कहा चले गए, रोटी अंडा। अब बजाज से अचानक से गैस तो रही, सिलेंडर लाई नहीं। अब बजाज ने बेटा पूरी सावधानी बरती, पूरी सावधानी। लेकिन लड़का है दिमाग से फिसल गया, सब कुछ लिस्ट लाते हैं। ऐसे ही आर्टिकल 327 में संसद के लिए और जितने भी राज्य हैं उनके लिए पूरे नियम कौन बनाएगा, संसद। लेकिन बाई चांस संसद से धोखे से कुछ मिस हो गया, कुछ छूट गया, तो घबराने की जरूरत नहीं, बाबा साहब बहुत समझदार थे, बोले कोई नई स्थिति उत्पन्न हो गई तो 328 के अंदर पावर दे रखी है कि संसद से जो भी चीज छूट जाएगी वो राज्य आर्टिकल 328 में खुद बना लेगा, समझ गए। तो ये अपने पड़ोसी से कह देंगे अरे अरे रसोई गैस अपनी दे दो, अपनी दे दो, शादी तुम्हारे तुम्हारा काम था, बोले अरे यार दे दो दे दो, तो पड़ोसी गैस दे देगा। तो ये 327 और जो बचा वो 328। कोई डाउट भूल के दिखाओ, कोई डाउट। 328 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने नियम बनाएगी, पर कब, जब पार्लियामेंट कुछ नियम को मिस कर देगी, नहीं बने होंगे या अकस्मात ऐसी परिस्थिति आ जाएगी। अब समझे बात कि नहीं, बताओ एग्जांपल बना दो, दे तो दिया इसका अभी बता के ऊपर दिया था। हां तो ये क्या, ये भूल गए, प्रैक्टिकल ये है कि तुम्हारे यहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, जैसे दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, अभी तक वो एक थी टूट गई, विखंडन हो गया, या दो पार्टियां अलग थी ऐसे आ गई, उनके लिए कोई राज्य में नया नियम बनना है राज्य की पार्टियों के लिए, तो कौन बनाएगा, राज्य खुद बना लेगा विधानसभा, समझ गए। चलो तो ये मैंने ऐसे लिख भी दिया है कि भैया तुम्हारा ये अब संसद ऐसी हो चुकी है, पुरानी संसद नहीं लगाऊंगा मैं गोल वाली, अब थोड़ी और पिरामिड आकार की होगी, ट्रायंगल की, होल इंडिया के लिए लो संसद। अब भैया ये देखो यूपी के लिए भी कौन बनाएगा, संसद। लेकिन अगर आर्टिकल 328 में सब बना रहे कुछ रह गया तो 328 में कौन बना लेगा, खुद उत्तर प्रदेश। 327 में ये पूरे भारत के लिए बनाएगी, खुद के लिए, कुछ रह गया तो 328 में यूपी खुद ही बना लेगा। और मैंने ये बात यूपी का डेमो देते समय बताई थी कि यूपी का नक्शा मुझे लगता है मायावती जी की पार्टी का चुनाव चिन्ह, हाथ ही सूंड खड़ा होगा, बेटा लग रहा है सीम वाला, गुड सी लिए तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही। चलो देखो आर्टिकल 328 है, चाहते हैं लड़की देखते पसंद आ जाती है, बड़ी बहन या मम्मी या बाजी या खाला, दिखा रहे हैं हाथी, दिस इज हाथी है, वो गेंडे नहीं, वो गेंडे से बात चलवाओ। तो समझा करो टीचर वो बहुत दर्शिता वाला है। चलो अब देखो बिल्कुल सही 328 सर, हाँ वो इसलिए वो देखो वो ट्रिक है, ये भी देख लो। 245 में मैंने तुम्हें केंद्र राज्य के संबंध पढ़ाए थे, उसमें पूरे भारत के लिए नियम कौन बनाता है, संसद। 145 में सुप्रीम कोर्ट खुद के लिए बना सकती है। 327 में पूरे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव संबंधी कौन बनाएगा, 327 में चुनाव आयोग। तो 245 145 327 इसे मैंने एक ही जगह लिख दिया, समझ गए। लेक्चर में ना आने के नतीजे, बीच में सूरज भी पेपर देने चले गए थे, कुछ लेक्चर में नहीं आए, उधर बैठते थे तुम दूसरी वाली सीट पर।
हाँ लेकिन खैर पता नहीं था, लेकिन अब रेगुलर आ रही है, अच्छी बात है, तो सॉल्व हुई प्रॉब्लम, अब तो कोई दिक्कत नहीं, चलो बढ़िया। अब आगे बढ़े, आर्टिकल 328 समझ गए कि नहीं, इसमें लिखा है सब कुछ ठीक पर राज्य का विधानमंडल समय समय पर ऐसा कर सकता है, क्या कर सकता है, विधि बना सकता है। यहाँ लिखा है किन कारणों से, कोई लिस्ट दी है, कुछ नहीं पता, जो बचा वो हमारा, समझ गए, क्योंकि सिलेंडर की जरूरत पड़ी थी, अब पता चलता सिलेंडर की जगह कुर्सी मेज लिहाफ गद्दा रजाई की पड़ती तो वो भी ले आते, तो बजाते हैं। अब आ जाओ, ये सबसे बढ़िया आर्टिकल, ठीक है, अब सुनो ध्यान से, हाँ बस 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 अब ध्यान दे लो, अभी तो है टाइम। आर्टिकल 329, आर्टिकल 329 दिखाता है चुनाव आयोग की और चुनाव की स्वतंत्रता। सर कैसे? 329 सीधी बात कहता है कि चुनाव पर, चुनाव के दौरान हस्तक्षेप नहीं कर सकता कोर्ट, भी साफ साफ लिखा हुआ है कि चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर, ये मैं नहीं कह रहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, क्यों? क्योंकि बेटा इसके पीछे एक बेसिक साइंस है, अभी चुनाव चल रहा है, मान के चलो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बता देता हूं, दो भाई है, जमीन का विवाद है, वो कोर्ट गए, मामला कितने साल चल रहा है, 2 साल 10 साल 5 साल 20 साल, इतना छोड़ो दादाजी ने केस डाला, केस कौन लड़ रहा है, होता चुनाव एक तो 5 साल के बाद फिक्स है, ऊपर से चुनाव आ जाना, अच्छा फोन है, कराओ भैया कराओ कराओ वीडियो कॉल, पाए लगे कहियो भाभी, देखो समझो विजन दिख रहा है, विजन अब देखो आगे माहौल बना रहना चाहिए ना, देखो 329 में समझने के लिए समझो, सर दो लोग लड़ गए, अरे देखो तुम जब दो लोग जमीन के विवाद को लेके 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल तक तो मामले का निपटारा आ ही नहीं पाता, बेटा चुनाव में एक तो निपटारा चाहिए तुरंत, ऊपर से 5 साल के अंदर नतीजा आ जाए, अगर हम कोर्ट का हस्तक्षेप अलाउ करेंगे तो कोर्ट 1950 के चुनाव का आज जाके निर्णय लेगा 2024 में, तो इसलिए हमने कह रखा भैया कोर्ट तुम डिले करो, तुम उधर जाके करो, हमारे काम में त्वरित कार्रवाई चाहिए, इसलिए हम तुम्हें करते हैं इस मामले से बाहर, लेकिन चुनाव के दौरान बाहर करते हैं, चुनाव के बाद नहीं बाहर करते हैं, क्योंकि मिनर्वा मिल केस में कहा गया था न्यायिक समीक्षा हर जगह काम करती है, तो जुडिशियल रिव्यू से आफ्टर इलेक्शन हस्तक्षेप किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अभी एक और चीज है, जरा पीलीभीत में मुझे एक बात बताओ, अच्छे से बता दोगे तुम लोग, पीलीभीत कौन से नंबर का निर्वाचन क्षेत्र, 26 पक्का यूपी कोई और निर्वाचन क्षेत्र का मतलब तुम्हारे पास वोटिंग वाली पर्ची आई होगी, उसमें लिखा होगा निर्वाचन क्षेत्र, तुम्हारा नाम और बल्दिया, तभी मैं कह रहा हूँ भैया 126-127 रेक्टिफाई कर लेना, मैं भी डेप्थ शॉर्ट लेकिन हाँ ये तो आरटीओ का बता रहे हैं जो कि गलत है, सही है 127 की विधानसभा, यानी यूपी के पूरे अरे भैया बस आप गलत बता चुके हैं, अब मुझे थोड़ा ठीक कर लेने, कहने का मतलब ये है कि लोकसभा के चुनाव की बात अलग न कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में जब पूरे चुनाव होते हैं, सिर्फ यूपी के चुनाव विधानसभा, तो उसमें हम सब भागीदारी लेते हैं, वोट डालते हैं, अगर हमारा वोट बन चुका है 1 जनवरी से पहले हम 18 के थे उसी वर्ष में हमारा वोट भी तैयार है, और अगर एक बार वोट बन जाता है तो वो लोग ऑटोमेटिकली वैसे पर्ची बना देते हैं, लेकिन किसी का नए का वोट बनना होता है तो पंजीकरण एक बार कराना पड़ता है, फिर कभी कभी 2-4-5 साल में नहीं वोट आता तब भी कराना पड़ता है, मेरी बात समझना, तुम्हारा पीलीभीत उन्होंने एक लाइन खींची नक्शे पे, बनाया उत्तरी पीलीभीत दक्षिणी पीलीभीत पश्चिमी पीलीभीत पूर्वी पीलीभीत, सर ऐसा क्यों करा? अगर जगह बड़ी होती है तो हम किसी को भी उठा के इधर से उधर नहीं बुलाएंगे, चुनाव देने के लिए हमें सबसे जरूरी चीज चाहिए सुविधा, तो व्यक्ति को उसी के क्षेत्र में वोट कराने के लिए कई बार पीलीभीत को 4 खंडों में डिवाइडेड कर देते हैं या इससे ज्यादा में भी डिवाइड कर सकते हैं, इसे कहते हैं हिंदी में परिसीमन, इंग्लिश में डिलिमिटेशन, बेटा ये भी काम चुनाव आयोग एक नया आयोग बनवा के करवाता है, और इस डिलिमिटेशन कमीशन पर, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर उत्तर प्रदेश को 4 भागों में तुम्हारे पीलीभीत को बांट दिया तो उस 4 भागों पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा,
डिलिमिटेशन परिसीमन पर भी कभी भी कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता। बोर्ड की आसानी के लिए पीलीभीत को चार भागों में बांट दिया, बरखेड़ा अलग क्षेत्र हो गया, बीसलपुर अलग हो गया, पीलीभीत अलग हो गया, जहानाबाद अलग हो गया। जहानाबाद के लोग पीलीभीत वोट देने नहीं आएंगे, वहीं देंगे। इसे कहते हैं सीमाओं को फिक्स करना, परिसीमन। आप समझे ये कौन करता है? तो ये करता है अलग से आयोग, जिसकी नियुक्ति भी करी जाती है, जिसके सदस्य चुने जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा एक आयोग है, उसने तुम्हारे पीलीभीत को बरखेड़ा निर्वाचन क्षेत्र बीसलपुर या इसमें बांट दिया, तो इस चीज को भी तुम चैलेंज करने कोर्ट नहीं जा सकते। ये भी लिखा है आर्टिकल 329 में, ये लिखा है। अदालत में सवाल नहीं उठाया जाएगा, परिसीमन। करेक्ट हो गया, समझिए बात। परिसीमन पे पूरा एक लेक्चर होना चाहिए, ऐसे तो होगा भी। अब तुम्हारे उपाम के जो शेड्यूल मुझे मिलता है, उसके अनुसार हम बहुत पढ़ चुके हैं, उतना उसमें अलाउड ही नहीं। उनके कहने का मतलब है आप रिवीजन चलाओ। जैसे ये है तो मैं क्या बताऊं, 329 इसमें देखो कोर्ट नहीं जाते, परिसीमन होता है। हो गया, हो गया, चलो हो गया, देखो तुम खुद पढ़ लेना, हो गया। ऐसे नहीं पढ़ा, पता नहीं क्यों नहीं ऊपर से क्या करते हैं। खैर छोड़ो, बहुत दुख का इशू है, मेरे समझ नहीं आता। रिवीजन क्लासेस उसे दोगे तुम, जो रिवीजन का मतलब पहले प्रीलिम्स, या तो फिर एंट्री लेवल कर दो ना, कि प्रीलिम्स निकाला हुआ बच्चा यहाँ मेंस के लिए आ जाए। अगर बच्चे के बेसिक एनसीईआरटी फाउंडेशन करनी है तो लेक्चर की संख्या ज्यादा चाहिए। अब अगर ये बात कह दो तो ऊपर से सवाल उठ जाएगा, नहीं ये तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, क्यों देते हैं 100 लेक्चर, क्यों देते हैं 55 ऊपर से आए। ठीक है 55 आए तो 55 के लायक मटीरियल भी तो लेके बैठो ना, जो 55 में कवर हो जाए। ऐसा नहीं होता कवर। मेरे हिसाब से पॉलिटी एक डीप सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट ही यूपीएससी में डीप समझ रहे हैं। अब तो पीसीएस भी कंसेप्ट ही पूछ रहा है, पीसीएस भी बहुत डीप चला गया, तब तक तो मैं चीजें नहीं बताऊंगा कैसे कर लोगे। तो खैर ये उपाम जाने अपना कोई काम नहीं। 329 क्या करता है, रोकता है इसको जब इलेक्शन चल रहे हो। लेकिन इलेक्शन चल गए तो क्या हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट? हाँ हाँ। कौन सी याचिका लेके? सर इसे प्यार से बोलते हैं चुनाव याचिका, इलेक्शन पेटिशन। सर प्रैक्टिकल बता दो बेटा, एग्जांपल इंदिरा गांधी जी वर्सेस राज नारायण 1975, अलाहाबाद हाई कोर्ट सीट रायबरेली की, निर्णय आया 12 जून 1975, जगमोहन सिन्हा जज थे और निर्णय आया था 4 दिन, बस हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बीच में हस्तक्षेप करेगा चुनाव के दौरान, लेकिन बाद में उसे कोर्ट ले जाया जा सकता है। और अगर इंदिरा गांधी जी सिर्फ 15 दिन रुक जाती ना, देश में आपातकाल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने का 15 दिन का समय मिला था और सुप्रीम कोर्ट ने मामले को उल्टा कर दिया था, लेकिन वो घबरा गई थी। तो उन्होंने पहले ही, आपको पता होगा कि उन्होंने कब 25 जून 1975 को डिक्लेरेशन कर दी थी एमरजेंसी, जो 21 मार्च 1977 तक चली थी, है ना। और उसमें तो देश में 42वां संविधान संशोधन कर दिया 1976 उसी के बीच में, जिसे कहते हैं छोटा संविधान, है ना। तो सर डिलिमिटेशन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया थोड़ा बहुत कि बाउंड्री फिक्स करना। सर क्यों फिक्स करना? ताकि लोगों को चुनाव में अपने निर्वाचन क्षेत्र में वोट देने में आसानी हो। गांव का आदमी सीधा 100 रुपए खर्च करके कहीं पर बस में बैठ के वोट देने जाएगा क्या? वो कहेगा यहीं हो जाता वोट। तो इतनी दूरी का ही निर्वाचन क्षेत्र होता है कि 1.5-2.5 किलोमीटर में व्यक्ति कवर कर ले। ये उनकी क्वालिटी है, बुद्धि की, अच्छी बात। ग्राम में क्योंकि वो ये कहता है कौन जाए, आज हम छुट्टी पे, है ना सर। हाँ देखा, इनके कहने का मतलब है कि हाईली टॉक्सिक मटेरियल बीइंग क्राफ्टेड विद द प्लास्टिक दैट इज सर्व फॉर द मास्टरपीस, क्या विज्ञापन देने लायक बनाया। आवाज नहीं जी आती है मुझे, सीबीएसई नाम तुम डुबोए पड़ो। सर बरेली क्यों डाला है? कुछ नहीं बरेली, जब ये स्लाइड एडिट करता था मुझे बरेली डाला। तो बेटा बरेली भी, हाँ बरेली भी डिवाइडेड है ना, उसे बोलते हैं। अब बरेली के अंदर मान के चलो 12 चुनाव क्षेत्र बना दिए, भैया बिथरी चैनपुर, कमल लैनपुर, या जो भी कमल लैनपुर तो इधर है सजा बोलते हैं। हाँ भैया बिल्कुल सही, मुझे पता है तो नवाबगंज ये सब देखा नजर सनी की भी है उधर। लो ये है निर्वाचन क्षेत्र, ये छुटके छुटके ये इसको बना देना। अब भैया एक तो जैसे जैसे परिसीमन आयोग ने इसको बनाया, अब तुम क्या कह रहे हो, मध्य प्रदेश जो है ये वाली लाइन टेढ़ी जा रही है, इधर बढ़ाए लो। तो भैया अब जब तक तुम कोर्ट में जाओगे तब तक ही कोर्ट में चुनाव होने हैं, कोर्ट में मसले आते हैं 10-10 साल के बाद निर्णय होंगे। बहुत कम ऐसे मैटर है जिसमें कोर्ट आज सुबह बैठा हो कि आज मैं निपटा के ही घर जाऊंगा, क्योंकि इसमें उनकी गलती नहीं है।
इंडिया का जुडिशियल सिस्टम जो है ना वो ऐसा है कि अच्छा तुम शिकायत लेके आ गए, अब तुम प्रूफ करो इसने हत्या करी है, ये तो बोलेगा ही, सारा भार दे देते हैं प्रोसिक्यूशन पे, अब तुम प्रूफ करो इसने चाकू कैसे खरीदा, कितने बजे खरीदा, क्यों उसके पेट में डाला, आईएएस की परीक्षा क्यों नहीं निकाल पाया, सब तुम ही प्रूफ करो। तो भैया दूसरी पार्टी प्रूफ करते करते 5-7 साल लगाई देती, फिर गवाह गवाह पलट जाते हैं। इसीलिए इस बार तीन काले कानूनों का अंत करा है, उन काले कानूनों के अंत में बहुत अच्छी चीज को उन्होंने महत्व दे दिया, फॉरेंसिक को, यानी अब अगर चाकू पे व्यक्ति के निशान है, पहले ये होता था कि चाकू पे निशान आ गए रिपोर्ट से तो जो गवाह होता था अगर गवाह कहते ना ना इनने चाकू ना मारो तो जज साहब कहते थे देखा जिंदा आदमी कह रहा, रिपोर्टें तो कुछ भी कह सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब रिपोर्टों को महत्व दिया जाएगा, ये अमित शाह जी ने संशोधन में ऐड कर दिया। तो मैं तुम्हें किसी तीन काले कानून पे स्पेशल क्लास दूंगा, नहीं सुना चलो अब आ जाओ, ठीक है बजा डिलिमिटेशन कमीशन हो गया। अब देखो मजे की बात, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम ही बोर हो रहे हो, बाकी सब तो कह रहे हैं हाँ 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 चला दो और चला, देखो तुम्हारे चक्कर में क्लास थोड़ी चलेगी, बच्चों के चक्कर में चलेगी, तो क्लास के सुपरवाइजर। देखो बेटा इंदिरा गांधी जी के बिना तो पॉलिटी पढ़ने का आनंद नहीं, शी वॉज दी लेडी, मैं तो उन्हें अपना पॉलिटिकल क्रश मानता हूँ, मेरी बात समझना, अरे तभी तो बना, जीवित भी होती तो क्या कहती है, कल से 1700 से 2000 नहीं देना, हाँ देखा अरे लगा हो तुम, मैडम ने जब इलेक्शन पेटिशन गई थी, मैडम ने इसमें भी संशोधन कर दिया था इमरजेंसी के टाइम, मैडम ने 329A में साफ साफ लिख दिया कि अगर कभी भी चुनाव का निर्णय आ गया, क्योंकि राजनारायण चुनाव के निर्णय के बाद कहां चले गए थे, हाईकोर्ट, मैडम ने पता क्या लिख दिया, अब से कभी भी प्राइम मिनिस्टर या लोकसभा इलेक्शन को लेके और उत्तर प्रदेश विधानसभा के इलेक्शन को भी लेके कभी कोई हाईकोर्ट नहीं जाएगा, पार्लियामेंट में मैटर सुलझाया जाएगा। क्या एक्सीलेंस था मैडम का, नहीं समझे, जुडिशरी का हस्तक्षेप बाहर कर दिया था 329 में कैपिटल है, क्यों, ताकि मेरे इलेक्शन को चैलेंज करोगे तो आओगे तो लोकसभा में ही, फिर बताऊंगे तुम्हें वहां पर, हाँ सिद्धार्थ ऐसा है, तो कहने का तो श्रेय नहीं जाएगा ना। अब जैसे मैं सही का केस लड़ू तो मैं तो यही कहूंगा हम चाह रहे हैं तो कभी भी वकील जो है उसका नाम नहीं आता क्रेडिट, वैसे भी पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी होती है वो उसके प्रमुख नेता से जानी जाती है, तो पॉलिटिकल पार्टी के बाकी नीचे जो है वो सब कितना भी काम करें, बाकी के नीचे जो पिरामिड बनेगा एनर्जी का उसमें पेड़ जीव जंतु की बात नहीं होगी, शेर सबसे ऊपर, समझ गए, चलो कंसेप्ट आ गया। तो मैडम ने 39 सर हमें याद नहीं हो पा रहा, बेटा इस दो को हटा दो, 39 में से दो को हटाओ, 39 अमेंडमेंट, इतनी ट्रिक है बता रहा सर, क्या ही करता, ऐसी मुझे याद रहता है, मैंने याद नहीं रहता था, तो 329A के दो को निकाल दो, 39 मास संविधान संशोधन, ए का मतलब अमेंडमेंट, मैडम ने कब करा 1975 में, साफ कह दिया संसद के मसले संसद जाने, तुम अपने घर को बोलो, कोर्ट से साफ साफ मना कर दिया, लेकिन 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 फिर मोरारजी देसाई सरकार आई, उन्होंने 44 में संविधान संशोधन से मैडम के सारे संशोधन को पलट दिया, और ईश्वर का शुक्र है कि ये भी संविधान संशोधन खत्म कर दिया, वरना फिर आज भी कोई भी किसी भी प्रकार से नेताओं के नतीजे आने के बाद उनको कोर्ट पे नहीं ले जा पाता, लेकिन अब ले जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि थैंक्स टू मोरारजी देसाई, उन्होंने संविधान बचा लिया, समझ गए, तो ये थी स्टोरी। बस ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे ही कह रहे हैं कि 42 में उन्होंने करा उससे थोड़ा पीछे 39, तो जैसे याद रख लो, तुम्हारे ऊपर अपनी खुद की ट्रिक भी बनाया करो, जैसे सनी ने बताया ऐसी अपनी बनाओ, मेरा तो नंबर से पुराना रहता हो चुका है। देखो हम लोगों को जैसे जुडिशरी वाले मुझे कम से कम 2000 सेक्शन याद होंगे, क्योंकि 28 तो लॉ होते हैं, पूरा पीसीएस का सिलेबस, एनवायरमेंट ज्योग्राफी जितने भी है, इको से लेके हिस्ट्री और सारे सब्जेक्ट पीसीएस में मेरे में होते हैं, उसके बाद में 28 सब्जेक्ट के करीब लॉ के होते हैं, उसमें धाराएं होती हैं, क्योंकि वो कंसेप्ट तो पूछते हैं मेंस में, लेकिन वो पूछेंगे कि भैया गैर इरादतन हत्या कौन सी धारा के कौन से सेक्शन में कहां दी हुई है, तो मुझे लगाना पड़ेगा 307 1860 भारतीय दंड संहिता, तो नंबर से मेरा पुराना रास्ता है, तो 28 करीब करीब जो एक्ट है उनके सेक्शन रटने होते हैं, और इधर कंसेप्ट जीएस का चलता है, इसलिए हम लोग ब्रिलियंट होते हैं।
चलो भाई अब आ जाओ, आ गए ना। तो कहने का मतलब ये है सर, आपने हमें बताया कि चुनाव आयोग क्या करता है, अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण। कोई डाउट सर? कैसे करेगा, कैसे कैसे करेगा? तो भैया करेगा विधि बना के। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा ये बताया है कि सरकार कुछ सोचे तो सोचने से नहीं होता। भारत में इतनी विधि क्यों है? क्योंकि इतने मुद्दों पर सोचा गया है, थिंकिंग हुई है। जिस चीज को सोचोगे लोग नहीं मानेंगे, मनवाने के लिए सहारा लेने वाले डंडे का नाम है विधि। मैंने ये कह दिया 379 में इतने रुपए की चोरी भी, 10 रुपए की चोरी भी चोरी है, उदाहरण दे रहा हूं, तो वो चोरी बन गई भारत में। अब भले ही तुम किसी का 11 रुपए का जेल पेन लेके भाग जाओ तो वो चोरी में आ जाएगा। देखा जाए तो 11 रुपए का जेल पेन होता ही क्या? समझे बात में या नहीं समझे? राजेंद्र पाल सिंह चक्की कोई छात्र लग रहा। हेलो, हाँ हेलो, हाँ बताइए। अच्छा अच्छा मैडम, नमस्ते, यार टेस्ट है भाई, भेज देंगे आज टेस्ट पेपर। हाँ टेस्ट हमने बना लिया है सिस्टम पे, और हम भी रखते हैं साथ, तो जैसे ही पहुँचेंगे तुरंत टेस्ट करेंगे, ठीक है? हाँ नहीं ऐसा है, हम शाम तक भेज देंगे आपको, 4 बजे से पहले भेज देंगे, बाई चांस देखो तुम फोन। हाँ कोई बात नहीं मैडम, ऐसा हम आपको फोन करेंगे, कुछ चीज़ें एडिटिंग पढ़ रहे थे। हाँ लॉ रिलेटेड टू इलेक्टोरल प्रोसेस कौन से भैया? सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन कंट्रोल करेंगे, कैसे करेंगे? अब एंट्री होती है जनता के प्रतिनिधि की। सर कैसे कैसे कैसे? बेटा पहला एक्ट ये रहा, इसे बोलते हैं जन या लोक प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व अधिनियम 1900, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। ये एक है, एक नहीं 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 भैया, ये है दो, नाम एक बरस अनेक। तो भैया नहीं, काम एक बरस अनेक है। हाँ वो है उसमें कुछ है बता दिया। हाँ कहाँ? हाँ बाकी बात पूछे। 1950 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। हाँ सर सर हाँ ये नहीं 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 इसका निर्णय जो है वो पार्लियामेंट्री उसका टाइम एक्सटेंड कर दिया है, कुछ नहीं कुछ नहीं, बस ये ध्यान रखना इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट चाहिए होगी कि हम कराने में आ सकते हैं। अगर कहीं भी इमरजेंसी बनती है इलेक्शन कमीशन इस तरीके अगर नहीं करा सकते तभी चुनाव के समय तो बता। अब समझो इन दोनों एक्ट में अंतर क्या है? तो भैया इन दोनों एक्ट में उतना ही अंतर है, सुनना मेरी बात ध्यान से। एक दिन चरण जो है वो अपने घर पे गए, इन्होंने अपने घर पे क्या करा, सारा का सारा खाना बनाया। मम्मी और पापा गए हुए थे घूमने, ठीक है, तो चरण ने उस दिन सारा भाई खाना बनाया, कपड़े धो दिए, घर पे पोछा लगा दिया। गाय अभी भी लगाते ना मेरी तरह? अच्छा क्या हुआ मम्मी? तो फिलहाल चरण देखो वास्तव में काम कराता है, गुड, अच्छा लड़का है, अपना बायोडेटा बनाओ तुम इससे देखा। अब वापस आ जाओ, बस तुम लोगों का नहीं मांगा, चरण की बात हो रही है। हाँ देखो, तो देखो भैया दो अधिनियम बने 1950 1951, इसमें चरण ने सारा काम करा करा करा, लेकिन इनकी मम्मी आके बोली बेटा नहीं डिस्टर्बेंस नहीं करो बैठ जाओ, सीरियस टॉपिक चल रहा है, मेरा फ्लो टूटा तो सब पे बीत जाएंगे, इसलिए वहां हो जाओ, मेरा फ्लो मत तोड़वाओ, एकदम फंसो लेकिन उतना लिमिट।
उसके बाद ये हुआ, अगर ये दो अधिनियम समझो, चरण ने सारा काम करा करा करा, फिर मम्मी लौट के आके क्या करें, तुम नहीं करते तो हम कर लेते, और तुमने करके कराई क्या, ये तो हम तुमसे कह के ही गए थे कि घर संभाल लेना, तो इनके साथ मोए मोए हो गया। जैसे इन्होंने कहा कि क्या मतलब क्या मतलब, तो मम्मी ने कहा देखो बेटा हम है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950, ये कौन है चरण, पेरेंट्स है ये सर। कैसे, चरण कितनी भी तैयारी कर ले कुछ भी कर ले, लेकिन एक्चुअल क्रेडिट किसे मिलेगा, मम्मी पापा को। तो 1951 जो है वो एक्चुअल कार्य करना क्या है ये बताता है, लेकिन पूरे चुनाव की तैयारी कैसे होगी ये 1950 बताता है। ये बेसिक डिफरेंस प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि कौन सा इन दोनों में से अधिनियम चुनाव की तैयारी, इलेक्शन के रोल कैसे बनेंगे, वोटर कैसे होंगे, वोट कैसे होंगे, क्वालिफिकेशन वोटर की क्या होगी, चुनाव की तैयारी कैसे होगी। तो हमें सारी तैयारियां कहां से करनी पड़ती हैं, शून्य से। तो ट्रिक यही है कि 1950 के 5 के बाद शून्य आ रहा है, तो शून्य से तैयारी शुरू करेंगे, और सारी तैयारियां शुरू करने के बाद अंत में जाके उस कार्य को कर ही लेंगे, कंडक्ट एक्चुअली कर ही लेंगे। तो 1951 एक्चुअल, 1950 तैयारी। कोई डाउट बताओ इसमें। सर ये दोनों कहां से आए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से शक्ति मिली, किसके काम के लिए बनाए, चुनाव के लिए। ये दोनों जो नियम है ये सब बताएंगे कि चुनाव के अंदर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसकी संपत्ति कितनी होनी चाहिए, भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, क्या जेल में बंद कैदी भी वोट दे सकता है, क्या जेल में बंद कैदी खड़ा हो सकता है चुनाव में, ये मैं तुम्हें सब पढ़ाऊंगा, ये इसी के अंदर दिया होगा। इंटरेस्टिंग, कोई डाउट। फिर आगे चल के वो तो कवर करेंगे राहुल गांधी जी का धारा 8 का मुद्दा, और तुम्हें 5 मिनट में समझा दूंगा गजब जी। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, पूछो। Any doubt? अभी तक समझ गए? चलो मेरे साथ एक बार रिपीट तो कर लो आर्टिकल 324, इसको तो कल भी कंटिन्यू करेंगे, अभी बस तुम्हें एक हिंट दे रहा हूं क्योंकि टाइम हो जाएगा लेक्चर का। आर्टिकल 324 में क्या है, क्या था, चुनाव आयोग, संख्या कौन निर्धारित करेगा। आर्टिकल 325 में क्या लिखा है, एक लिस्ट रेस रिलीजन कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे रिश्ता डिवीजन नहीं होगा। आर्टिकल 326 क्या कहता है, व्यस्त हां सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग UAF। 327 क्या कहता है, संसद नियम बनाएगी चुनाव संबंधी। 328 क्या कहता है, कुछ बच गया तो राज्य खुद बना लेगा। 329 में किसके हस्तक्षेप पर रोक लगाई है, तो सर अदालतों की। सर अदालतें निचली या उच्च या सर्वोच्च, तो कंफ्यूज मत होना, वहां सिर्फ अदालत लिखा है, यानी हर प्रकार की अदालत पे चुनाव के दौरान रोक लगाई है। और किस चीज पर रोक लगाई है, अदालत दखल नहीं देगा, परिसीमन डिलिमिटेशन। क्या होता है डिलिमिटेशन, किसी एरिया को जहां चुनाव कराने हैं निर्वाचन क्षेत्रों में वर्गीकृत करना, बात समझे। अब मान के चलो मुझे क्लास सेलेक्ट करनी थी, तो मैंने शहर में ऐसी जगह क्लास सेलेक्ट करी जहां बिल्डिंग भी है, लोग आसानी से आ जाएं, मेन रोड पे है, तो इसी को क्षेत्र चुना गया अभ्युदय में पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सबके लिए आसानी से उपलब्ध है। कल को ये बदल भी सकता है, हाँ। तो आज हम वोट डालने जाते हैं आवास विकास के नाम पर राम रुबाई साहनी इंटर कॉलेज में, कल को हो सकता है डरमंड में वोट पड़े, पढ़ सकते, चेंज करा जा सकता है, कोई लिमिट नहीं। सर चुनाव देने का तरीका जो होता है वो ईवीएम मशीन से बटन दबा के कागज की पर्ची बाहर आती है, क्या हम सैम ऑल्टमैन AI के फाउंडर से कह के तरीका बदलवा सकते हैं, जी बदलवा सकते हैं। इस समय डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी को भारत में चैलेंज है, क्या विविधता को लोकतंत्र में चैलेंज है, सर हमेशा थे आज भी रहेंगे, क्यों, क्योंकि सर हमें पार्टियों का तुष्टीकरण आज भी देखने को मिलता है, आज भी पार्टी सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से ज्यादा निजी फायदे के लिए खड़ी हो गई है, और समाज में क्या कर रही है, पोलराइजेशन, भेदभाव बंटवारा, इसे पोलराइजेशन कहते हैं इंग्लिश में, कर रही है। तो क्यों कर रही है, क्योंकि सरकार जानती है कि मिंटो क्या करके चला गया, समझते हो। एक बार अब लास्ट में जाओ, सरकार ने कोई भी नियम बनाया तो नियम के तहत कैसे चुनाव कराने हैं, क्या कराने हैं, इसके लिए आर्टिकल 324 शक्ति देता है, लेकिन आर्टिकल 324 में चुनाव की तैयारी कराने के लिए दो अधिनियम बनाए, उनमें से कौन सा वाला चुनाव की तैयारी की बात करता है, सर 1950। ट्रिक क्या है, 50 के लास्ट में 0 है, तो शून्य से शिखर तक, यानी 0 से तैयारी करेंगे चुनाव करा लेंगे, लेकिन क्रेडिट कौन ले जाएगा, सारी चीजें कौन ले जाएगा, 1951। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट, जितना हमने पढ़ा उतना रिविजन करा, इन दोनों का विभाजन लिख लो, ये देखो ये पढ़ लो 1950 के किन किन 6 मुद्दों पर बात करता है।
किन किन छह मुद्दों पे बात करता है। तो भैया ये छह मुद्दे हैं, क्षेत्रों का परिसीमन। सर ये तो 329 में भी लिखा था, वहां लिखा था हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन परिसीमन करने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया 1950। मतदाता सूची तैयार करने की बात आर्टिकल 324 में लिखी थी, लेकिन उससे संबंधित नियम की बात कहां हुई है? तो सर लोक प्रतिनिधि या जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 में। कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र के लायक है या नहीं है ये कौन बताएगा? मतदाता सूची तैयार करना, बिगाड़ना, सुधार करना ये कौन बताएगा? 1950। ये छह बातों पर बात करता है, ये रट लेना, प्रीलिम्स में पॉइंट्स आएंगे, क्वेश्चन बनेंगे, सब कुछ। अरे कल सर आप अच्छे लग रहे चलो भाई देखो इधर, समझ गए? ये लो ये पढ़ो अंग्रेजी में, है ना? एक दो कोई बच्चे अंग्रेजी के धोखे धक्के से आ गए हो तो भैया अंग्रेजी में देख लो, क्वालिफिकेशन प्रिपरेशन, ठीक है, मैनर ऑफ फिलिंग सी, नो पर्सन शैल बी रजिस्टर्ड, पनिशमेंट फॉर किकिंग बॉल्स। मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूं, रिसर्च करके आना, जेल में बंद कैदी क्या वोट दे सकता है, हाँ या ना? अगर तुम्हें अभी उत्तर देना चाहे तो मोस्ट वेलकम दे सकते हो।